नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जामटोला यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हिस्ट्री से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे जो आपको मध्यकालीन भारत के इतिहास से दोस्तों बताए जा रहे हैं, और सभी के सभी दोस्तों आपको पूरे इसमें 25 टॉपिक को बताया जाएगा जो इस बार फ्रेंड्स आप इससे एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छोड़ के आएंगे। दोस्तों पहला टॉपिक है आज आपका भारत पर मुस्लिम आक्रमण, दूसरा टॉपिक दिल्ली संसद में दोस्तों गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश एंड विजयनगर साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत दोस्तों प्रशासन होंगे, कला सत्यपथ होंगे, दिल्ली संत के साहित्य विविध से इससे प्रश्न होंगे। दोस्तों जितने भी प्रश्न है ना आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, दोस्तों आप सभी प्रश्न को यहाँ देख पा रहे होंगे। भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन, मुगल वंश से बाबर, हुमायूं शेरशाह और अकबर, जहांगीर, शाहजहां औरंगजेब, मुगलकालीन प्रशासन, जी हाँ दोस्तों मुगलकालीन संगीत और चित्रकला, मुगलकालीन साहित्य, मुगल काल के कुछ विविध प्रश्न होंगे और सिख संप्रदाय होंगे, सिख राज होंगे, मराठा राज्य होंगे और दोस्तों मुगल सम्राट का विघटन होगा। तो इन सभी टॉपिक्स को अभी हम लोग देखेंगे दोस्तों, पूरे 25 टॉपिक्स। तो आप लोग जरूर वीडियो को लास्ट तक देखिए क्योंकि एक एक प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट है और दोस्तों आप यहां से बहुत अच्छे प्रश्न है। भारत पर मुस्लिम आक्रमण से संबंधित प्रश्न जो है वह है आपका कि युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति दोस्तों स्थापना हुई थी ना दोस्तों, वह युद्ध कौन सी थी? तो वह थी तराइन की द्वितीय युद्ध। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण दोस्तों किस वर्ष हुआ था? तो मेरे प्यारे दोस्तों यह हुआ था 711 ईस्वी वाले में, ऑप्शन नंबर सी। मोहम्मद गौरी ने दोस्तों किस दास ने बंगाल और बिहार पर दोस्तों विजय प्राप्त किया था? दोस्तों वह जो दास था ना वह दास था दोस्तों बख्तियार खिलजी, ऑप्शन नंबर सी। पैगंबर हजरत मोहम्मद का दोस्तों जन्म जो हुआ था ये कब हुआ था दोस्तों? तो 700, जी हाँ दोस्तों 570 ईसा में, ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर। इनमें कौन है दोस्तों जो गजनी राजवंश के संस्थापक था? दोस्तों इनमें से कौन है जो गजनी राजवंश के दोस्तों संस्थापक था? बिल्कुल दोस्तों आसान है, ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर। अलवर्णी भारत में दोस्तों कब आया था? मेरे प्यारे दोस्तों अलवर्णी जो आया था ये आया था 11वीं शताब्दी में। निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को दोस्तों जीत लिया था? तो दोस्तों यहाँ जो जीता गया था ना ये जीता गया था सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के द्वारा। किसके द्वारा? सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के द्वारा। किस मुगल शासक या मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति दोस्तों बनी हुई थी? तो देवी लक्ष्मी की आकृति फ्रेंड्स मोहम्मद गौरी के समय में बना हुआ था, ऑप्शन ए आपको याद रखनी है, ठीक है दोस्तों। शाहनामा के लेखक कौन है पहले दोस्तों? तो शाहनामा के जो दोस्तों लेखक है ना ये कौन है आपको आंसर कर लेंगे दोस्तों। तो शाहनामा के लेखक है फिरदौसी, और कई बार ये प्रश्न आपको देखने को मिलता है। हिंद भारत के जनता के संदर्भ में यानी कि हिंदू शब्द जो है प्रथम बार जो प्रयोग किया गया था यह किसने किया था? तो यह किया गया था अरबों के द्वारा, यानी कि सबसे पहले हिंदुस्तान में यानी कि दोस्तों भारत में हिंदू शब्द का जो प्रयोग किया था वो अरबों के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के दोस्तों निर्गत किए थे? तो मेरे प्यारे दोस्तों ये जो निर्गत किए गए थे ना नंबर 11 का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद गजनबी के द्वारा। नंबर 12 है निम्नलिखित में से कौन सी मोहम्मद गौरी के द्वारा दोस्तों चंदाबर के युद्ध में पराजित किया गया था? नंबर 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, तो ये रहेगा आपको ऑप्शन नंबर बी जयचंद रहेगा दोस्तों सही आंसर, जयचंद रहेगा राइट आंसर, ठीक है। भारत पर प्रथम मुसलमान आक्रमणकारी दोस्तों कौन से? जी हाँ दोस्तों क्षमा चाहूंगा, भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी जो दोस्तों थे ये कौन थे? तो ये थे अरब के, ठीक है। और यूपी लोअर सब डिवीजन फ्रेंड्स 2015 के इंपोर्टेंट ये प्रश्न भी आप देख रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सिंध पर दोस्तों जो विजय हुई थी ये कब हुआ था? तो मेरे प्यारे दोस्तों ये जो विजय हुआ था ये हुआ था 712 में, ऑप्शन सबस सी रहेगा आई सही आंसर दोस्तों। ये मक्का कहाँ है? कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, मक्का जो है ना दोस्तों यह है सऊदी अरब में। मक्का कहाँ है दोस्तों? सऊदी अरब रहेगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है कथन ए है कि महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए और वह भारत में अस्थाई मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था, दोस्तों इसमें कौन सा प्रश्न सही रहेगा? तो ऑप्शन नंबर सी ए बिल्कुल सही है, परंतु आर जो दोस्तों बिल्कुल गलत है, ये ऐसा नहीं था दोस्तों, सिर्फ वह लूट लूट के भागना चाहता था। तो 7 बार दोस्तों महमूद गजनी ने भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है। अगला प्रश्न है भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी जो दोस्तों था ये कौन था? तो दोस्तों ये जो था ना ये था मोहम्मद बिन कासिम था, सबसे पहले मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम ही था। भारत में मोहम्मद गौरी ने दोस्तों किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया गया था? दोस्तों तो ये प्रदान किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक को, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, और ये प्रश्न पूछे भी गए हैं आपको बीपीएससी के एग्जामों में, ठीक है। अगला प्रश्न नंबर नेक्स्ट दोस्तों, जरूर आंसर कीजिएगा किसी प्रश्न के अगर आप आंसर जानते हैं तो। निम्नलिखित नामों को
कालानुक्रम से दोस्तों व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर प्राप्त करें। जी हां दोस्तों, तो आपका जो आंसर आएगा दोस्तों वो क्या रहेगा, वो रहेगा सर ऑप्शन नंबर आपका वी, पहले दो। जी हां दोस्तों, पहले दो, फिर आपके तीन मोहम्मद गौरी, फिर आए फ्रेंड्स आपके चंगेज खान और बाद में दोस्तों तैमूर। तो इस चीज को फ्रेंड्स आप याद रखिएगा, ठीक है। नंबर नेक्स्ट है कि मोहम्मद गौरी को सबसे पहले दोस्तों किसने पराजित किया था। जी हमारे प्यारे दोस्तों, मोहम्मद गौरी को जो सबसे पहले दोस्तों पराजित किया था वह था भीम द्वितीय। महमूद गजनी के साथ भारत आने वाले प्रसिद्ध इतिहासकार दोस्तों कौन था। जी हां दोस्तों, तो यह इतिहासकार था अलवरनी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि मोहम्मद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था दोस्तों। तो मोहम्मद गजनवी का जो इतिहासकार था वह था उत्तवी, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर कौन से दोस्तों अलवरनी के संबंध में सही नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल आसान प्रश्न है, किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो कमेंट भी कर लिया कीजिएगा। तो आएगा वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था दोस्तों। क्या था? वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था। अगला प्रश्न है और आंसर जरूर करना चाहेंगे दोस्तों कि मोहम्मद बिन कासिम क्या था दोस्तों। मोहम्मद बिन कासिम क्या था? तो जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम जो था ना दोस्तों, ये एक क्या था, ऑप्शन समर आप सी लगेंगे, ये एक अरब था। ऑप्शन सी रहेगा दोस्तों राइट आंसर। तो ये सभी प्रश्न आपके भारत पर मुस्लिम आक्रमण से हैं। अगला प्रश्न लगाते हैं दिल्ली सल्तनत के। जी हमारे प्यारे दोस्तों, तो अब हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। और वो पहला प्रश्न है कि दिल्ली के वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी दोस्तों घोषित कर दिया गया था। दोस्तों वह था आपका इल्तुतमिश। ऑप्शन समर बी रहेगा सही आंसर, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि किसके शासन काल में मंगोल प्रथम बार दोस्तों सिंधु के तट पे दोस्तों देखे गए थे। जी हाँ दोस्तों, वो जो देखे गए थे, सबसे पहले देखे गए थे इल्तुतमिश के शासन काल में ही। अगला प्रश्न है कि चंगेज खां का दोस्तों मूल नाम क्या था। जी हाँ दोस्तों, चंगेज खां का जो मूल नाम था दोस्तों वह था आपका तेमुचिन था। क्या जी? तेमुचिन। ऑप्शन नंबर सी याद है। और SSC दोस्तों 2000 के इंपोर्टेंट ये प्रश्न भी है। निम्नलिखित में कौन है दोस्तों जो मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी। और कई बार ये प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में देखने को मिला है दोस्तों, वह थी इल्तुतमिश की ही बेटी रजिया सुल्तान, ठीक है। अगला प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, गुलाम वंश के प्रथम शासक दोस्तों कौन था। जी हाँ दोस्तों, तो गुलाम वंश के दोस्तों जो प्रथम शासक थे ये थे कुतुबुद्दीन ऐबक। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में दोस्तों स्थापित किया गया था। और दोस्तों यह जो स्थापित किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा ही स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी। जी हां दोस्तों, इस वीडियो को आप लास्ट तक इसलिए लगाइए क्योंकि सभी प्रश्न आपको मध्यकालीन भारत से एक एक प्रश्न दोस्तों मैं करा रहा हूं ताकि आपकी सभी सोल्यूशन एक ही वीडियो में मिल जाए मध्यकालीन भारत के। निम्नलिखित में किसने भारत के प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरेज को आरंभ करवाया था दोस्तों। तो यह जो करवाया गया था वलवन के द्वारा दोस्तों। किसके द्वारा? वलवन के द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारें को अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा के दोस्तों सहायक कहा था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यह जो कहा गया था वह था वलवन, खलीफा का सहायक बोल दिया था, वह था वलवन। दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। कौन सी नीति? रक्त और लौह की दोस्तों नीति अपनाई थी। तो वह था दोस्तों वलवन। वह दिल्ली के सुल्तान कौन था दोस्तों? वह था वलवन। ऑप्शन नंबर बी। और ये UPPCS मेंस 2009 के इंपॉर्टेंट प्रश्न भी हैं, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार जो नियुक्त किया था दोस्तों वह कौन था? दोस्तों वह था आपका मलिक जानी। कौन था? मलिक जानी। गुलाम वंश के दोस्तों संस्थापक कौन माने जाते हैं दोस्तों? तो गुलाम वंश के जो संस्थापक है दोस्तों वो कुतुबुद्दीन ऐबक को ही माना जाता है। जी ठीक है, गुलाम वंश के संस्थापक दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न नंबर नेक्स्ट है और किसी भी प्रश्न के दोस्तों अगर आंसर जानते हैं कमेंट बॉक्स में करना चाहते हैं तो जरूर लगाइएगा। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर निम्नलिखित में से किसके काल में दोस्तों आया था? जी हाँ दोस्तों, तो ये आया गया था ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश के शासन काल में, ठीक है। ढाई दिन का झोपड़ा दोस्तों क्या है? दोस्तों ढाई दिन का जो झोपड़ा है ना, यह एक और एक दोस्तों मस्जिद है, ठीक ना, मस्जिद है ये ढाई दिन का झोपड़ा, आप याद रखेंगे। और कई बार दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ से BPSC के एग्जाम में दोस्तों पूछा जा चुका है। कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 ईस्वी में मृत्यु के उपरांत कौन सी उसका तत्कालिक उत्तराधिकारी दोस्तों बना था? तो जी हाँ दोस्तों, वह बना था आराम शाह बना था। तत्कालिक जो फ्रेंड्स बना था उत्तराधिकारी, वह दोस्तों आराम शाह को बनाया गया था, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का वह कौन से सुल्तान है जो लाख वक्स के दोस्तों नाम से जाना जाता है? जी हाँ, लाख वक्स के दोस्तों नाम से जानते हैं, तो वह है कुतुबुद्दीन ऐबक को ही जाना जाता है। अगला प्रश्न है,
सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु दोस्तों कैसे हो गई थी। जी हाँ दोस्तों, तो उनकी जो मृत्यु हो गई थी दोस्तों चौगान की कीरा के दौरान अश्व से गिरने के पश्चात उनकी दोस्तों मृत्यु हो गई थी। और ये आईएएस 2003 के इंपॉर्टेंट दोस्तों प्रश्न भी पूछे गए हैं। गुलाम का गुलाम दोस्तों किसे कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, गुलाम का गुलाम दोस्तों किसे कहा जाता है। तो दोस्तों ये इल्तुतमिश को ही कहा जाता है, गुलाम का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। और कई बार दोस्तों ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल जाता है। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, इनमें कथन ए है, दूसरे का कारण आर है। तो ए दोस्तों कहता है कथन कि बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथों में केंद्रित कर लिया। और बी कहता है कारण है कि वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से दोस्तों सुरक्षित करना चाहता था। दोस्तों आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए और आर दोनों सही है, किंतु ए जो है सुमिलिखित व्याख्या है और आर दोस्तों नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न है नंबर 19 है, कमेंट जरूर करेंगे अगर आप जानते हैं तो। निम्नलिखित में कौन सी कथन है जो बलबन के संबंध में दोस्तों सही नहीं है। जी दोस्तों बलबन के संबंध में दोस्तों जो है वो सही नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्तों बिल्कुल आसान प्रश्न है आपके, सिंपल क्वेश्चन है। तो दोस्तों वह उसने इक्तादारी व्यवस्था को प्रारंभ किया था, ठीक है। अगला प्रश्न नंबर नेक्स्ट दोस्तों, जितने प्रश्न सारे आपके इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, प्रश्न संख्या 20 आपके स्क्रीन पे है दोस्तों। रजिया बेगम को सत्ता च्युत करने में किसका हाथ था। तो दोस्तों रजिया बेगम को जो सत्ता च्युत किया गया था ये कौन था दोस्तों, तो ये था आपका ऑप्शन नंबर सी, जी हाँ तुर्कों का। किसका था दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी तुर्कों का था। नंबर 21 है, अपने शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन के भव्य उपाधि जो धारण किया था दोस्तों ये किसने किया था। जी हाँ पर दोस्तों, तो ये जो किया गया था ये किया गया था जिल्ले इलाही, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला प्रश्न है नंबर 22 है कि दिल्ली का कौन से सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खान के दोस्तों समकालीन था। तो दोस्तों वह था आपका इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से, दिल्ली की प्रथम मुस्लिम शासिका दोस्तों कौन थी। बिल्कुल आसान प्रश्न है नंबर 23 है दोस्तों, तो वह था मुस्लिम शासक की बात हो रही फ्रेंड, तो वह होगी इल्तुतमिश। और जी हाँ दोस्तों, अगर महिला की बात करते हैं तो इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान आएगी, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा क्योंकि इससे प्रश्न में गलतियां होने की संभावना बढ़ जाती है। नंबर 24 है, दिल्ली के सुल्तान बलबन का दोस्तों जो पूरा नाम था ये पूरा नाम क्या था। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका पूरा नाम था गयासुद्दीन, ऑप्शन नंबर सी रहेगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक की दोस्तों जो राजधानी थी ना, ध्यान दीजिएगा नंबर 25 का आंसर क्या रहेगा, कुतुबुद्दीन ऐबक की दोस्तों जो राजधानी थी ना ये क्या थी। जी हाँ दोस्तों, तो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर था। नंबर 26 है, निम्नलिखित में किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में दोस्तों योगदान नहीं दिया है। जी हाँ दोस्तों, गयासुद्दीन तुगलक का इसमें कोई योगदान नहीं है, ऑप्शन नंबर सी रहेगा सही आंसर। और एसएससी के 2000। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं खिलजी बंश से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न का। पहला प्रश्न है कि निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल नियंत्रण पद्धति को दोस्तों पहली बार लागू किया था। जी हाँ दोस्तों, यह किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के माध्यम से, ऑप्शन नंबर ए रहेगा आपका सही आंसर। अगला प्रश्न है कि 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच में दोस्तों जो सीमा थी ये क्या था। मैं फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 का अपने आंसर किया, ऑप्शन नंबर सी वह सिंधु था। बिल्कुल आपने सही आंसर लगाया है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पे विचार कीजिए जो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है दोस्तों। तो ध्यान देंगे यहां से आंसर जो आएगा वो रहेगा दोस्तों सी। क्यों रहेगा, क्योंकि उसने कूट जमीनों को पामाइश के बाद जमीन की मालगुजारी दोस्तों वसूल की थी और उसने प्रांतों के गवर्नर के अधिकारों को दोस्तों समाप्त कर दिया था। तो इस प्रश्न को दोस्तों आप ऐसे याद रखेंगे। नंबर 4 है, कौन सा दोस्तों सुल्तान था जो नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने दोस्तों विरोध कर दिया था। तो ये जो विरोध कर दिया गया था दोस्तों ये किसके द्वारा, दोस्तों ये विरोध कर दिया गया था अलाउद्दीन के द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने वजार सुधार दोस्तों लागू किया था। और कई बार ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं, वजार सुधार लागू जो किया गया था दोस्तों ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही किया गया था, ऑप्शन नंबर दोस्तों आप बी को याद रखना चाहेंगे। जब उसने राजत्व प्राप्त किया और वह दोस्तों शरीयत के नियमों को आदेश से पूर्णतः स्वतंत्र था, वर्नी ने यह कहा कि किस सुल्तान के लिए दोस्तों कहा था। जी हां दोस्तों, तो यह कहा गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही, ऑप्शन नंबर सी। घड़ी अथवा गृहकर लगाने वाले दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था। जी हां दोस्तों, टैक्स जो लगता था ये लगाने वाले जो थे ये थे अलाउद्दीन खिलजी ही थे। कौन थे जी, अलाउद्दीन खिलजी ही थे जिन्होंने फ्रेंड्स घड़ी और गृहकरी टैक्स लगाए थे। नंबर 8 है,
कथन ए और कथन बी फ्रेंड्स दिया है कारण, तो अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के मूल्य नियंत्रण लागू दोस्तों किया था। कारण है कि वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था। तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ए सही है परंतु आर जो है बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर सी आपका रहेगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से दोस्तों जोड़ा जाता है। क्यों जोड़ा जाता है? चूंकि दोस्तों ये राणा रतन सिंह के, जी हाँ, उनके जो दोस्तों पति का नाम था वह क्या था? राणा रतन सिंह थे। और ये आप देख सकते हैं बीपीएससी 1999 के इंपॉर्टेंट दोस्तों प्रश्न भी आप देखने को मिल रहा है। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली दोस्तों आरंभ किया था? जी मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये जो आरंभ किया गया था ना, ये आरंभ दोस्तों किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दोस्तों आरंभ किया गया था, स्टार्ट किया गया था। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन ने दोस्तों दक्षिण अभियान धन प्राप्ति से अभियान थे, और दूसरा कहता है, कारण कहता है कि यह दक्षिण राज्यों को दोस्तों कब्जे में करना चाहता था। तो दोस्तों इसका आंसर जो रहेगा ना वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ए सही है किंतु आर जो है बिल्कुल दोस्तों गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के दोस्तों विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी? तो दोस्तों जो मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी वह पता है आपको कौन थे? तो वह थे दोस्तों जफर खां। कौन थे? ऑप्शन नंबर ए जफर खां दोस्तों, याद रखेंगे। तो ये सभी प्रश्न थे खिलजी वंश के। अब हम दोस्तों बात करेंगे तुगलक वंश। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं तुगलक वंश की, और तुगलक वंश के सारे दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी हम लोग चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, पहला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत में तुगलक राजवंश के जो अंतिम शासक थे निम्नलिखित में से दोस्तों यह कौन था? दोस्तों यह जो था वह था दोस्तों नसरुद्दीन महमूद। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी रहेगा राइट आंसर। ये आईएएस प्री 2004 के इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। अगला प्रश्न दोस्तों नंबर 2 है, और आंसर जरूर करना चाहेंगे कि निम्नलिखित में किस सुल्तान के दरबार में दोस्तों सबसे अधिक गुलाम थे? जी हाँ दोस्तों, सबसे अधिक गुलाम थे वह था दोस्तों फिरोज तुगलक के शासनकाल में। ठीक है, किसके सल्तनत काल में डाक व्यवस्था दोस्तों विस्तृत किया गया, यानी कि दोस्तों बड़ा किया गया डाक व्यवस्था है दोस्तों? तो ये किया गया है इब्न बतूता के समय में। ठीक है, और पीसीएस 2002 के इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। अगला प्रश्न नंबर 4 है, और दोस्तों जितने भी प्रश्न है सारे आपके गम एग्जाम्स के लिए बहुत ही बेहतरीन है। निम्नलिखित पर विचार करनी है दोस्तों। कथन कहता है कि मोहम्मद तुगलक की प्रत्येक मुद्रा योजना असफल दोस्तों सिद्ध हुई है, लेकिन कारण कहता है कि मोहम्मद तुगलक का जो मुद्रा निर्गमन था उस पर उचित नियंत्रण दोस्तों नहीं था। तो मेरे प्यारे दोस्तों जो आंसर रहेगा आपका ये रहेगा ऑप्शन नंबर ए, आर और ए दोनों सही है, लेकिन आर जो है सही व्याख्या ए का नहीं करता है। ठीक है, ऐसे प्रश्न आपको रीजनिंग टाइप में भी दोस्तों पूछे जाते हैं, देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, दिल्ली के दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का जो आदेश दिया गया था ये किसके द्वारा दोस्तों दिया गया था? तो ये दिया गया था सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेना अध्यक्षों में से कौन से तुगलक वंश का दोस्तों प्रथम सुल्तान बना था? मेरे प्यारे दोस्तों ये बना था आपका ऑप्शन नंबर ए, गाजी मलिक रहेगा राइट आंसर। जी हाँ दोस्तों, मैं इसलिए क्लास में कम समय दे रहा हूँ आपको, वीडियो पे कम समय ले रहा हूँ, क्योंकि हमें बहुत ही लंबी क्लास दोस्तों आपको लिए बनानी है। ठीक है, आरआरबी कोलकाता एएसएम 2005 के इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, अमीर एक कोही एक नया विभाग किस सुल्तान के दोस्तों शुरू किया गया था? तो दोस्तों सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। मोरक्को देश की यात्री इबन बतूता किसके शासनकाल में दोस्तों भारत आया था? तो मेरे प्यारे दोस्तों ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के ही शासनकाल में। ठीक है, निम्न में से किसके काल क्रमानुसार दोस्तों जो है आपको क्रमबद्ध करनी है? तो जी हाँ दोस्तों, क्रमबद्ध करनी है, तो ध्यान से देखिएगा, और आंसर अगर आप किसी भी प्रश्न के जानते हैं तो कॉमेंट भी दोस्तों लगा सकते हैं। तो ये जो रहेगा फ्रेंड्स आपका, पहले आया था रुकुद्दीन, फिर आया था दोस्तों मुबारक खान, फिरोज शाह तुगलक, उसके बाद आलम शाह, जो कि सही आंसर है। टोपरा तथा मेरठ से दो अशोक स्तंभ लेख दिल्ली दोस्तों कौन लाया था? टोपरा तथा मेरठ से दो अशोक स्तंभ जो दोस्तों दिल्ली लाया था ये कौन लाया था? तो यही दोस्तों लाया था फिरोज शाह तुगलक, आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, इतिहासकार वदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से दोस्तों मुक्ति मिल गई है? जी हाँ दोस्तों, ये कहा गया था ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ही। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना दोस्तों किसने किया था? और कई बार दोस्तों ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। दोस्तों ये किया गया था फिरोज तुगलक ने। किसने किया था दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, फिरोज तुगलक रहेगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर दोस्तों आक्रमण किया था? जी हाँ दोस्तों, तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था दोस्तों? तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 1398 में। अगला प्रश्न है,
दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी दोस्तों जजिया कर लगा दिया था। जी हाँ दोस्तों, और ये जो दोस्तों जजिया कर लगाया गया था, ऑप्शन नंबर बी हमारे कुछ मित्र लगा रहे हैं, जो कि फिरोज तुगलक ने बिल्कुल सही लगाया है। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, और ये दोस्तों कथन से संबंधित है, जो कि आपको IAS UPSC के एग्जाम में प्रश्न पूछ जाते हैं। तो दोस्तों कथन कहता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता दोस्तों के द्वारा दिनार कहलाया गया, और कारण कहता है कि मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिम एशियाई तथा पश्चिमी अफ्रीकी देश के साथ व्यापार के अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों की टोकन की दोस्तों मुद्रा जारी करना चाहता था। तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा ए, सही है, परंतु आर जो है दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, किस वंश के सुल्तान ने सबसे पहले अधिक समय तक दोस्तों देश में राज्य किया था? जी हाँ दोस्तों, तो वह था तुगलक वंश के सुल्तान ने सबसे ज्यादा राज्य किए थे। नंबर नेक्स्ट है कि हक ए सर्ब अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दोस्तों दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? जी हाँ दोस्तों, सिंचाई पे भी कर लगेगा। जी हाँ, ये लगाने वाला दोस्तों जो सुल्तान था वह था फिरोज तुगलक। कौन था दोस्तों? वह फिरोज तुगलक ही था। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर नेक्स्ट दोस्तों, जितने प्रश्न सारे आपके इंपॉर्टेंट है। जी मेरे दोस्तों, सारे प्रश्न आपके बहुत ही बेहतरीन है। अगला प्रश्न है, आंसर करेंगे अगर जानते हैं तो आप। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन जो किया गया था, ये किसने किया था दोस्तों? तो ये किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ही। किसके द्वारा? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ही। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में दोस्तों माहिर था, ये कौन था? जी तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये था मोहम्मद बिन तुगलक ही था। ठीक है, और ये UPSC मेंस 2012 का इंपॉर्टेंट दोस्तों प्रश्न भी पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की दोस्तों योजना बनाई थी? जी दोस्तों, यह जो योजना बनाई गई थी दोस्तों, यह योजना बनाई गई थी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ही। फिरोज तुगलक के द्वारा सत्यापित दार उल सफा दोस्तों क्या था? जी दोस्तों, तो ये जो था ना दोस्तों, ये था आपका ऑप्शन नंबर बी, एक खैराती अस्पताल था। क्या था दोस्तों? बी रहेगा राइट आंसर दोस्तों, एक खैराती अस्पताल था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए दोस्तों उपाय किए? जी हाँ प्यारे दोस्तों, और ये जो दोस्तों उपाय किए गए हैं, ये उपाय किया गया था फिरोज तुगलक के द्वारा ही। नंबर नेक्स्ट है, और देखते हैं यहाँ से BPSC 2000 के इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था कराने वाला पहला भारतीय दोस्तों शासक कौन था? तो मेरे प्यारे दोस्तों, वह शासक था फिरोज तुगलक ही। बी रहेगा दोस्तों राइट आंसर, क्योंकि हम बात ही कर रहे हैं दोस्तों यहाँ से तुगलक वंश की। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, आंसर करना चाहेंगे दोस्तों कि मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन दोस्तों सही है? जी हाँ दोस्तों, आंसर रहेगा फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, होली त्योहारों के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाले दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन था? दोस्तों वह सुल्तान था जो होली के त्योहारों में उत्सव में भाग लेते थे, दोस्तों वह सुल्तान थे मोहम्मद बिन तुगलक ही थे। ऑप्शन बी रहेगा सही आंसर। बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की दोस्तों स्थापना किया था? और दोस्तों यह जो किया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही। अगला प्रश्न है, और फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने इस उद्देश्य से एक अनुभव विभाग की स्थापना की, उससे दोनों संप्रदाय के लोगों एक दूसरे के विचारों को समझकर बेहतर हो सके? तो मेरे प्यारे दोस्तों, वह आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, फिरोज तुगलक रहेगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत के किस वंश का राज्य दोस्तों स्थापित हुआ था? जी हाँ दोस्तों, तो ये जो स्थापित हुआ था ऑप्शन नंबर बी, सैयद वंश। आप याद रखिए दोस्तों, किस वंश की राज्य स्थापित हुआ था? ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, सैयद वंश। ठीक है, आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली का वह सुल्तान जो भारत के नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण दोस्तों करने के लिए प्रसिद्ध है, वह दोस्तों कौन था? तो मेरे दोस्तों, वह जो था ना, जो दोस्तों नहरों के लिए जाना जाता दोस्तों, वह है फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन से बस रहेगा राइट आंसर, और ये RRB दोस्तों 2003 के इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। अगला प्रश्न है, आंसर करना चाहेंगे दोस्तों, आंसर क्या रहेगा? दिल्ली के सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफी दोस्तों ध्यान रखता था, और इसके लिए दोस्तों एक विभाग दीवान ए खैरात स्थापित कर दिया था, दोस्तों वह कौन था? जी दोस्तों, वह जो था ना दोस्तों, वह था आपका ऑप्शन नंबर बी, फिरोज तुगलक ही था। तो दोस्तों ये तो रही बात आपकी तुगलक वंश की। अब दोस्तों हम जरा बात करते हैं लोधी वंश की। जी हाँ दोस्तों थोड़ी सी बात करते हैं अब हम लोधी वंश की, जो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न भी है, सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है। तो पहला प्रश्न लोधी वंश का कहता है कि किस मध्ययुगीन सुल्तान को
आगरा शहर की नींव डालने और उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का दोस्तों श्रेय जाता है। बिल्कुल आसान प्रश्न है और ये आप देख सकते हैं यूपीपीसीएस मेंस 2011 का इंपॉर्टेंट दोस्तों प्रश्न भी है। तो वो आएगा दोस्तों सिकंदर लोदी। ठीक है दोस्तों, सिकंदर लोदी रहेगा आपका सही आंसर। अगला प्रश्न है कि महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में दोस्तों परास्त कर दिया था। मेरे प्यारे दोस्तों, यह जो परास्त हो गए थे इनको दोस्तों खातोली के युद्ध में परास्त कर दिया गया था। ऑप्शन ए रहेगा आपका राइट आंसर। ठीक है, दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक दोस्तों सही काल क्रमानुक्रम है। दोस्तों वह जो है सबसे पहले आया था वहलोल खान लोदी, सिकंदर शाह, उसके बाद आया इब्राहिम लोदी। दोस्तों ऑप्शन समझिए आपको याद रखनी और ये आईएएस प्री 2006 के इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। अगला प्रश्न है नंबर 4 है, निम्नलिखित वंशों में किस क्रम से दिल्ली पर शासन किया था और नीचे दिए गए सही दोस्तों उत्तर का आपको चयन भी कर लिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से देखेंगे तो आंसर बिल्कुल सही आएगा। दोस्तों वो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक ना, तो सबसे पहले दोस्तों शासन किया था गुलाम, उसके बाद दोस्तों शासन किया गया था खिलजी वंश, उसके बाद दोस्तों शासन किया गया था सैयद वंश और उसके बाद दोस्तों आया था लोदी वंश। ठीक है, अगला प्रश्न है और प्रश्न दोस्तों आपसे पूछता है कि निम्नलिखित सल्तनतों शासकों में से कौन है जो अफगान मूल के थे। दोस्तों अफगान से कौन थे? जी हाँ दोस्तों, नंबर 5 है। तो मेरे प्यारे दोस्तों जो अफगान से थे ना ये थे लोदी वंश, ऑप्शन नंबर डी। नंबर 6 है, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन है जो अन्य के ऊपर कर समाप्त करने के लिए दोस्तों जाने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये जो दोस्तों जाने जाते हैं ना ये कौन है बताएंगे आंसर अगर आप जानते हैं तो। जी हाँ दोस्तों, तो ये थे सिकंदर लोदी, ऑप्शन नंबर डी रहेगा दोस्तों सही आंसर। अगला प्रश्न है और आंसर जरूर करना चाहेंगे दोस्तों, आंसर क्या रहेगा, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर दोस्तों बसाया था जो अब आगरा के नाम से दोस्तों जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो वह है सिकंदर लोदी ने ही दोस्तों बसाया था और ये आरआरबी मुंबई टीसी 2005 के इंपॉर्टेंट प्रश्न भी। दोस्तों सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है इसलिए दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर लगाइए क्योंकि एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपकी मध्यकालीन दोस्तों भारत के इतिहास एक वीडियो में खत्म कर रहा हूं दोस्तों। जी हाँ, तो क्लास को जल्दी से शेयर भी कर लीजिएगा ताकि आपके मित्र भी जल्दी से प्रेजेंट हो जाएंगे। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, तो बात करते हैं अब हम विजयनगर साम्राज्य की और विजयनगर साम्राज्य का दोस्तों पहला प्रश्न है कि विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने दोस्तों वहमनियों से गोवा को छीन लिया था। दोस्तों वह था हरिहर द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में दोस्तों निर्मित हुआ था। जी हाँ दोस्तों, तो ये जो दोस्तों निर्मित हुआ था ये हुआ था दोस्तों कृष्णदेव राय के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि तालीकोटा का दोस्तों युद्ध कब हुआ था। जी हाँ, तालीकोटा का दोस्तों जो युद्ध हुआ था ये सन 1565 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। कब हुआ था? 1565 में हुआ था। कृष्णदेव राय ने किस नगर की दोस्तों स्थापना किया था। जी हाँ दोस्तों, तो कृष्णदेव राय के द्वारा जो नगर की स्थापना किया गया था दोस्तों वह नगर था नागलापुर। ठीक है, नागलापुर, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी याद रखिएगा। नंबर 5 है, विजयनगर राज्य की दोस्तों स्थापना किसने, कई बार ये प्रश्न आपको बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने किया था, तो हरियर और बुक्का, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर के प्राचीन राजधानी को प्रतिनिधित्व दोस्तों करते हैं। नंबर 6 इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, हप्पी रहेगा राइट आंसर। और बताइएगा दोस्तों भारतीय रुपया के कौन से दोस्तों नोट हैं जिसपे हम्पी का चिन्ह है, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। ठीक है, यूपीपीसीए मेंस 2008 के इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन दोस्तों महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है। दोस्तों नंबर 7 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर कमेंट करेंगे दोस्तों, वेरी गुड। दोस्तों वह जो है केवल आपके नन्यन है और टिंकन है, तो ऑप्शन आप सी को आंसर कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है नंबर 8 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तालीकोटा का दोस्तों जो युद्ध लड़ा गया था ये किसके किसके बीच दोस्तों लड़ा गया था। तो तालीकोटा का युद्ध दोस्तों जो था ना ये लड़ा गया था आपके किसके किसके, तो विजयनगर और विजापुर और अहमदनगर तथा गोलकुंडा के संयुक्त सेनाओं के बीच में दोस्तों यह लड़ाई हुई थी। कौन सी लड़ाई? तालीकोटा का युद्ध। ठीक है, अगला प्रश्न है, निकोली काउंटी दोस्तों कौन, और कई बार ये प्रश्न भी दोस्तों आपको पूछा था, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से एमपीपीसीएस 2016 का प्रश्न भी दोस्तों पूछा गया है। तो यह आंसर देगा दोस्तों इटली का एक यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किया था। अगला प्रश्न नंबर नेक्स्ट दोस्तों, नंबर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से थोड़ा ध्यान देंगे तो आंसर भी राइट आ जाएगा। निम्नलिखित कथनों पे दोस्तों आपको कहता है कि विचार कीजिए, बिल्कुल नंबर 10 है। तो मेरे प्यारे दोस्तों पहला कथन है कि नरसिंह सालूब ने संगम वंश के अंत किया था और उसने राज सिंहासन छीन कर दोस्तों पालु वंश प्रारंभ किया। देख लीजिए कैसे कैसे होता है। जी हाँ दोस्तों, और फिर क्या किया, वीर नरसिंह ने अंतिम सालूब शासक को गद्दी से उतारकर राज सिंहासन छीना। वीर नरसिंह के
उत्तरवर्ती उनके अनुज कृष्णदेव राय थे। कृष्णदेव राय के उत्तरवर्ती उनके अर्ध भाई, जी हाँ बिल्कुल सही है दोस्तों, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। और यस बिल्कुल जी, आप सीरियल वाइज जो आप देख रहे हैं बिल्कुल सभी कथन सही है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी चारों कथन आपके राइट है, ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 11 है कि कृष्णदेव राय के दरबार में दोस्तों जो अष्ट दिग्गज थे ना, ये कौन थे? तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो अष्ट दिग्गज थे ये थे 8 तेलुगु कवि, ऑप्शन बी। और ये SSC CPU SI 2003 के इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। अगला प्रश्न है, और ये काफी दोस्तों वरी है बट फ्रेंड समझने के लिए बहुत जरूरी है, इनमें से किसने कृष्णा नदी के सहायता नदी के दक्षिणी तट पर एक नए नगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने एक नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में दोस्तों माना जाता है कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है दोस्तों। तो वह जो दोस्तों है ना, वे हैं हरियर प्रथम, ऑप्शन नंबर सी रहेगा आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का दोस्तों जो युद्ध है किस राजा के साथ लड़ा था दोस्तों? तो यह लड़ा गया था कुली कुतुब शाह के द्वारा, जी हाँ कुली कुतुब शाह के द्वारा दोस्तों विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध लड़ा था। अगला प्रश्न है, विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत दोस्तों भेजा था? तो दोस्तों ये भेजा गया था किसके द्वारा? नंबर 14 का पासा जो लगा रहे हैं बिल्कुल दोस्तों सही लगा रहे हैं, ऑप्शन नंबर आपने आंसर किया सर वो रहेगा बुक्का प्रथम। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं दोस्तों, ये कहाँ पे अवस्थित है? मेरे प्यारे दोस्तों ये है आपके हम्पी में, ऑप्शन नंबर सी। और आपने अभी तक हम्पी का दोस्तों कमेंट नहीं किया है कि किस नोट पे हम्पी का फिगर है, जी हाँ। अगला प्रश्न है, जब राजा वडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की थी तब विजयनगर साम्राज्य के दोस्तों जो शासक था ना, ये शासक कौन था? जी हाँ दोस्तों, तो ये शासक था वेंकट द्वितीय, डी रहेगा राइट आंसर। विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता दोस्तों क्या था? जी हाँ दोस्तों, यह व्यवस्था था भू राजस्व, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अपनी मदुरा विजय कृति के अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली दोस्तों जो कवयित्री थी ये कौन थी? जी हाँ दोस्तों, तो ये जो थी दोस्तों ये थी गंगा देवी, ऑप्शन नंबर बी। और ये आप देख सकते हैं SSC 2005 के इंपॉर्टेंट प्रश्न भी हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है, आंसर जरूर करना चाहेंगे दोस्तों, आंसर क्या आएगा? जी हाँ दोस्तों, विजयनगर के शासक कृष्णदेव की कराधान व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करनी है दोस्तों। आप ध्यान से पढ़ेंगे कि भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी, कारखानों के निजी स्वामी का औद्योगिक कर दोस्तों देते थे। तो कौन सी दोस्तों जो है कथन सही है वो आपको बतानी है दोस्तों, वह जो रहेगा 1 और 2 दोनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी आपने सही आंसर दोस्तों लगा चुके हैं, ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 20 है, इनमें से दोस्तों किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है दोस्तों? इनमें से किसे आंध्र भोज भी दोस्तों कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, तो ये जो दोस्तों इसका आंसर आएगा वो राइट और सही दोस्तों आंसर क्या आएगा वह रहेगा आपका कृष्णदेव राय को, ऑप्शन नंबर ए रहेगा दोस्तों राइट आंसर, कृष्णदेव राय रहेगा आपका सही आंसर, ठीक है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे यहां से दिल्ली सल्तनत प्रशासन के, ध्यान दीजिएगा, और जितने भी दोस्तों मैं क्वेश्चन कराऊँ ना सारे आपके इंपॉर्टेंट है, सारे प्रश्न दोस्तों आपके बहुत ही आगामी एग्जाम्स के लिए बेहतरीन है। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के क्षेत्र से, और पहला प्रश्न है कि सर्व कर दोस्तों जो लगाया जाता है ये किस पे लगाया जाता है दोस्तों? मेरे प्यारे दोस्तों ये जो लगाया जाता है ना सर्व कर, ध्यान दीजिएगा, जी हाँ दोस्तों ये जो लगाया जाता है ये किस पे लगाया जाता है दोस्तों? तो ये लगाया जाता है आपके सिंचाई पे, ऑप्शन नंबर बी। और कई बार दोस्तों आरआरबी रांची आप टेक के 2005 के दोस्तों इंपॉर्टेंट ये प्रश्न भी पूछा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन में नेक्स्ट दें, और जितने भी दोस्तों क्वेश्चन हैं सारे आपके इंपॉर्टेंट हैं आगामी एग्जाम्स के लिए। नंबर 2 है कि हदीस जो थे दोस्तों ये एक क्या थे? जी हाँ दोस्तों, तो ये जो हदीस थे ना ये दोस्तों एक थे इस्लामिक कानून, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। भारत के किस मध्यकालीन शासक ने एकता व्यवस्था दोस्तों प्रारंभ किया था? कौन सी व्यवस्था? एकता व्यवस्था। और कई बार दोस्तों ये आगामी एग्जाम्स में पूछे जाएंगे आपको दोस्तों, वह था इल्तुतमिश ने, जिन्होंने एकता व्यवस्था को स्टार्ट किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन है जो भूमि उत्पाद पर लगने वाले को दोस्तों इंकित करता है? जी हाँ दोस्तों, तो यह जो इंकित करता दोस्तों यह है मुक्तई, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। पहले तो फ्रेंड्स खराज है, फिर आपके खुम्स हैं और मुक्तई हैं, तो डी को आप आंसर करेंगे बिल्कुल सही रहेगा आंसर। अगला प्रश्न है, जमावित का संबंध दोस्तों किससे है? जी हाँ दोस्तों, जमावित का जो दोस्तों संबंध है यह किससे है दोस्तों? यह जो है यह है राज्य कानून से। किससे दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए दोस्तों यह है राज्य कानून से, जो कि सही किया आपने, राइट किया है।
ठीक है। और देख सकते हैं कई बार दोस्तों ये प्रश्न आपके पूछे भी जा चुके हैं, इसलिए मैं कहता हूं कि एक एक क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके एग्जाम एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। संतुलत काल की दो प्रमुख मुद्राएं, जी हाँ, पता निम्नलिखित कूट में से दोस्तों करेंगे आप, तो बिल्कुल आप सही लगा रहे दोस्तों, राइट लगा रहे हो, ऑप्शन नंबर डी, जी हाँ दोस्तों वह है आपका, एक तो है जीतल और दूसरा है आपका टंका, तो ऑप्शन नंबर डी आपने सही किया है। अगला प्रश्न है कि इतिहासकार वर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत के शासन को वास्तव में दोस्तों जो इस्लामिक नहीं माना है क्यों? दोस्तों इसलिए इस्लामिक नहीं माना है क्योंकि, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए जो आपने आंसर किया है वो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में से दोस्तों कौन से सही युग्म सुमिलित है? जी हाँ दोस्तों, तो यह जो सही युग्म सुमिलित है थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो आंसर दोस्तों बिल्कुल आपका राइट आएगा और दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। और कुछ हमारे मित्र हैं फ्रेंड जिनको डाउट्स भी हो रही है और आज की क्लास में दोस्तों काफी सारे कन्फ्यूजन भी आएंगे, दोस्तों वो आंसर आपका आएगा ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे दोस्तों, दीवान ए बंदगान फिरोज तुगलक, ठीक है, ए रहेगा आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से दोस्तों किसने बिल्कुल आसान है दोस्तों, बहुत ही ध्यान से आंसर करनी है, किसने टांका नामक चांदी का दोस्तों सिक्का चलाया था? जी हाँ दोस्तों, और ये जो चांदी का सिक्का चलाया गया था मेरे प्यारे दोस्तों, ये चलाया गया था पता जी किसके द्वारा? ये चलाया गया था दोस्तों इल्तुतमिश के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से सूची वन और सूची दो के साथ सुमिलित करनी है और निम्न में से दिए गए सही उत्तर को आपको चयन करनी है, जी हाँ, तो मेरे प्यारे दोस्तों बहुत ही ध्यान से आंसर भी करनी है, आंसर क्या आएगा ध्यान दीजिएगा, जी हाँ दोस्तों, तो यहां से दिया है और इधर दिया है फ्रेंड्स आपको, तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आएगा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, टेन का राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ दोस्तों, अगर हम दीवाने अर्ज की बात करते हैं तो हम चलेंगे सेना विभाग से संबंधित होते हैं, ठीक है, दीवाने रिसालत की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो धार्मिक मुद्दों से संबंधित वहां पे बातों को सुलझाया जाता था, दीवाने इंसा की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, दीवाने इंसा तो ये सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित है, और दीवाने वजारत की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो वित्तीय मामलात से संबंधित थे, ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है सल्तनत काल में फवाजील का अर्थ क्या था दोस्तों, और इसमें दोस्तों जो अर्थ होता था ये निकल के आता है ऑप्शन नंबर सी, इकतादारों के द्वारा सरकारी खजानों में जमा की जाने वाली दोस्तों अतिरिक्त राशि। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर और सुल्तान किस वर्ग के दोस्तों हुआ करते थे? दोस्तों ये जो हुआ करते थे तुर्क के, ठीक है, किस वर्ग के? तुर्क के हुआ करते थे, ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर। सल्तनत काल के सिक्के यानी कि टांका जो दोस्तों था और ससगनी एवं जीतल किस धातु के दोस्तों होते थे? दोस्तों सही उत्तर रहेगा आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर ए, तांबा और चांदी का, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, और ये अरबी मुंबई 2005 के दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। अगला प्रश्न नंबर नेक्स्ट दोस्तों नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से कौन से युग्म दोस्तों सुमिलित नहीं, और नहीं वाले फ्रेंड्स प्रश्न है बहुत ही डेंजर जोन के होते हैं, ठीक है दोस्तों, तो इसका सही और दोस्तों राइट आंसर जो आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, दीवाने ए रियासत वलवन नहीं होगा, ठीक है, बाकी सभी सही है, तो दोस्तों डी रहेगा यहाँ से राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। तो अब हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के कला और सत्यापथ से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो जी हाँ दोस्तों पहला प्रश्न है नंबर 1 है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल को दोस्तों निर्माण कराया था? तो दोस्तों यह जो निर्माण कराया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, क्या बात हो रही है 5वीं मंजिल की दोस्तों बात हो रही है, ठीक है। अगला प्रश्न है कृति अस्तमत दोस्तों जो प्रशस्त की रचयिता है ये कौन है? दोस्तों ये जो है ये है अभी कभी, ऑप्शन नंबर डी रहेगा दोस्तों सही आंसर। और दोस्तों जितने भी क्वेश्चन करा रहे हो ना आपके सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सारे प्रश्न अगर एग्जाम्स के लिए दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है। निम्नलिखित पे दोस्तों आपको विचार करनी है, नंबर 3 को ध्यान से देखिएगा दोस्तों और आपको सही काल अनुक्रम से आपको सजानी है, इसका निर्माण दोस्तों कैसे कैसे हुआ है वो आपको बतानी है, तो मेरे पे दोस्तों से आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि सबसे पहले कुतुब मीनार की, उसके बाद दोस्तों तुगलकवाद किला, उसके बाद जो दोस्तों आएंगे आपके लोधी गार्डन, उसके बाद दोस्तों फतेहपुर सीकरी, तो आप याद रखेंगे इस तरह से। अलाई दरवाजा का निर्माण दोस्तों किस सुल्तान ने, और ये भी प्रश्न आपको कई बार दोस्तों रेलवे के एग्जाम हो या एसएससी के एग्जाम हो आपको बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों, अलाई का दरवाजा जो फ्रेंड्स है यह किसने करवाया था दोस्तों? तो ये करवाया गया था औलादीन खिलजी के द्वारा दोस्तों, अलाई से औलादीन आप हमेशा दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है चित्तौड़ की कृति स्तंभ निर्मित जो हुआ था दोस्तों ये किसके शासनकाल में हुआ था? जी हाँ दोस्तों, ये जो हुआ था दोस्तों ये राणा कुंभा के शासनकाल में,
ए इज राइट आंसर, ठीक है, राणा कुंभा के शासनकाल में ही दोस्तों हुआ था। अगला प्रश्न है नंबर नेक्स्ट, आंसर जरूर करना चाहेंगे कि दोस्तों आपको सुमेलित करनी, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आंसर बिल्कुल राइट और सही आ जाएगा आपका, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान दें दोस्तों, यहां से बिल्कुल आसान है, थोड़ा और ऊपर कर देता हूं। अगर हम बात करें दोस्तों, यहां से वास्तु शैली की बात करता है और यहां से संबंध राल वंश की बात करता है। जी हाँ, कौन से वंश दोस्तों किससे संबंधित है, आपको ये आंसर करके बतानी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ से कि महराज की निचली सतह पर कमल कली के दोस्तों झालर, तो यह जो है दोस्तों ये आपके खिलजी से संबंधित है। अष्टभुजीय मकबरों का दोस्तों जो उदय हुआ था ये दोस्तों तुगलक में हुआ था, तुगलक वंश में, ठीक है। स्तंभों की बोधी गोई का प्रयोग दोस्तों हुआ था, ये हुआ था विजयनगर में। और झुकी हुई दीवारें के साथ दोस्तों विशाल मुख्य द्वार, ये कहाँ का था दोस्तों, तो ये था सरकी का, ठीक है, आप याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास, नंबर 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कि निम्नलिखित युगों में से दोस्तों कौन से सुमेलित नहीं है। जी दोस्तों, कौन सी सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अजमेर कुबल अल इस्लाम, जो कि फ्रेंड्स सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में दोस्तों निर्मित हुआ है। जी हाँ दोस्तों, तो यह जो दोस्तों निर्मित हुआ है बलबन का मकबरा, क्या जी, बलबन का मकबरा ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर, और ये सीडीएस 2011 का इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। तो दोस्तों चलते हैं और भी नए टॉपिक्स के पास। अगला टॉपिक है दोस्तों आपका कि दिल्ली सल्तनत के साहित्य पाठ से, ठीक है। तो पहला प्रश्न है कि दिल्ली की वह सुल्तान जिसने अपने स्मरण में दोस्तों लिखा था, जी हाँ दोस्तों संस्करण लिखा था, सॉरी, तो वह दोस्तों जो लिखा गया था ये दोस्तों लिखा गया था फिरोज तुगलक का, ठीक है। हिंदी और फारसी दोनों भाषा का दोस्तों जो विद्वान था ये कौन था, जी हाँ दोस्तों हिंदी और फारसी दोनों भाषा का जो दोस्तों विद्वान था वह था दोस्तों अमीर खुसरो, ऑप्शन नंबर सी, अमीर खुसरो इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, संगीत यंत्र यानी कि तबला का दोस्तों जो प्रचलन किया था ये किसने किया था, दोस्तों यह किया गया था अमीर खुसरो के द्वारा ही, और SSC UDS 2012 का इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। अगला प्रश्न है, किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध दोस्तों लेखक का नाम क्या है, जी दोस्तों किताब उल हिंद रचना के जो प्रसिद्ध दोस्तों लेखक है इनका नाम दोस्तों था अलवर्नी, ठीक है दोस्तों, क्या रहेगा ध्यान दीजिएगा यहाँ से, ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सी रहेगा राइट आंसर, अलवर्नी रहेगा राइट आंसर। नंबर 5 है, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दोस्तों दरबार में रहे थे, जी हाँ किसके दरबार में दोस्तों रहे थे अमीर खुसरो, तो यह दोस्तों औलादीन खिलजी के दरबार में रहे थे, ऑप्शन नंबर याद रखिएगा। और कई बार दोस्तों ये प्रश्न आपके दोस्तों आगामी सभी एग्जाम में देखने को मिलता है दोस्तों, आपको पूछा भी जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न को बहुत ही दोस्तों आप ध्यान से देखिएगा और प्रश्न का आंसर भी जरूर लगाइएगा दोस्तों। नंबर 6 का जो आंसर आएगा वह क्या आएगा, तो पहला कहता है कि हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताब ए नौरस इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के द्वारा लिखा गया था। और दूसरा दोस्तों कहता है आपसे कि भारत में कव्याली से जाने जाने वाले संगीत शैली के आरंभिक रूप में आरंभकर्ता अमीर खुसरो थे। तो उसका सही जो आंसर रहेगा दोस्तों वो आंसर में ऑप्शन नंबर सी रहेगा, कि यानी कि 1 और 2, जी हाँ दोस्तों यानी कि ये और ये दोनों विचार फ्रेंड्स बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, और जितने भी दोस्तों क्वेश्चन मैं पहले भी कहता हूँ और अब भी कह रहा हूँ, सभी प्रश्न आपके आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नंबर 7 है, अपभ्रंश शब्द का प्रयोग मध्यकालीन संस्कृति ग्रंथों में दोस्तों होता है, और किसके लिए होता है दोस्तों, तो ये जो होता है ना कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूपों को अंकित करने के लिए दोस्तों प्रयोग किया जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से दोस्तों किसको हिंदी खरी बोली का जनक माना जाता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, हिंदी खरी बोली का जनक माना जाता है दोस्तों, तो ये माना जाता है दोस्तों किसको, अमीर खुसरो को ही, ऑप्शन नंबर ए, अमीर खुसरो को दोस्तों माना जाता है। अगला प्रश्न है, जी हाँ दोस्तों, निम्नलिखित में किसे संगीत वाद को हिंदू मुस्लिम गान पदों का सर्वश्रेष्ठ दोस्तों मिश्रण माना गया दोस्तों। नंबर 9 है, बहुत बढ़िया, और बिल्कुल दोस्तों अपने आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, सितारा इज राइट आंसर, सॉरी सितारा इज करेक्ट आंसर। तबकात ए नासरी के लेखक दोस्तों कौन है, और ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछ जाते हैं। तबकात ए नासरी का दोस्तों लेखक है ये है मिनहाज उस सिराज, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजदूत है दोस्तों जो राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में दोस्तों जाना जाता है, जी हाँ दोस्तों, तो ये है आपके ऑप्शन नंबर सी, राणा कुंभा इज राइट आंसर। और कई बार दोस्तों आपके देख रहे हैं UPPS मेंस 2007 के इंपोर्टेंट प्रश्न, और कई आगामी एग्जाम में दोस्तों पूछे जाने की पूरी संभावना भी है। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 में सुमिलित कर नीचे रेकूट को दोस्तों सही उत्तर चुननी है, ठीक है। तो दोस्तों सूची 1 और सूची 2 को इस तरह से आपको मिलानी है,
तो ध्यान देना चाहेंगे सभी मित्रगण, सभी साथीगण, और अगर आपसे बनता है किसी प्रश्न का आंसर तो जरूर आंसर किया कीजिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ से ऑप्शन नंबर आप जो लॉक करेंगे सर, सी होगा। अब क्यों होगा दोस्तों, चूंकि अगर हम तारीख हिंद की बात करें तो दोस्तों ये लागू किया था अलवर्णी ने, उसी प्रकार दोस्तों तारीख दिल्ली अमीर खुसरो ने, और जी हाँ बिल्कुल सही है, राइट है। और दोस्तों और साथियों उसी प्रकार अगर हम रेतेला की बात करते हैं तो ये है इब्न बतूता, और तबकाते नासरी तो दोस्तों ये मिनहाज है जो अभी हमने पीछे पढ़ा भी है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आप याद कर लेंगे, अगर आप भूल जाते हैं तो उसको नोट भी जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, और तूती ए हिंद अमीर खुसरो का दोस्तों जन्म हुआ था कहाँ पे? जी हाँ दोस्तों, तूती ए हिंद अमीर खुसरो का दोस्तों जो जन्म हुआ था ये हुआ था सर पटियाली में। ऑप्शन नंबर सी रहेगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो दोस्तों एक क्या थे? जी हाँ दोस्तों, अमीर खुसरो एक क्या थे दोस्तों? ये कवि थे, इतिहासकार थे, संगीतज्ञ थे, यानी कि ये तीनों थे। जी हाँ, एक व्यक्ति में कई तरह की क्वालिटी, जी हाँ दोस्तों, ऑलराउंडर जिसे कहते हैं हम लोग आसान भाषा में। अगला प्रश्न है, निम्न भाषाओं में से किस भाषा को दिल्ली सुल्तानों के संरक्षण दोस्तों प्रदान किया गया था? मेरे प्यारे दोस्तों यह किया गया था फारसी में। ऑप्शन नंबर सी रहेगा आपका सही आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नंबर 16 है, और बहुत ही आसान है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आंसर सही आ जाएगा। सूची वन और सूची दो को इस तरह से सुमिलित कीजिए, ठीक है दोस्तों, सूची वन और सूची दो को इस तरह से सुमिलित कीजिए ताकि कूट के दोस्तों सही उत्तर को आप चुन सकें, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जो मित्र हमारे यहाँ से ऑप्शन नंबर डी वाला को लॉक कर रहे हैं दोस्तों, वो सही लगा रहे हैं, और कुछ हमारे मित्र को काफ़ी सारे डाउट्स आ रहे हैं, काफ़ी सारे गलतियाँ भी कर रहे हैं। यानी कि दोस्तों हम अगर जियाउद्दीन वर्णी की बात करते हैं, क्या करेंगे दोस्तों, हम जियाउद्दीन वर्णी की अगर हम बात करते हैं तो हम आंसर करना चाहेंगे दोस्तों, इसको लेकर चलेंगे तारीख ए फिरोज शाही के साथ। अगर हम हसन निजामी की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम इसको लेकर चलेंगे ताजुल मासीर के पास। और मिनहास उस सिराज की अगर हम बात करते दोस्तों तो ये जाएगा फ्रेंड्स हमारा कहाँ दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा तबकात ए नासरी। और याही बिन अहमद की अगर हम बात करते दोस्तों तो ये हो जाएगा हमारा तारीख ए मुबारक शाही, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हम ऑप्शंस को लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दोस्तों किसने स्वयं को हिंदुस्तान का दोस्तों तोता कहा? जी हाँ, हिंदुस्तान का तोता स्वयं को किसने बोल दिया? तो दोस्तों यह जो बोला गया है, कहा गया है अमीर खुसरो के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता दोस्तों कौन है? दोस्तों ये भी हैं अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है नंबर 19 है, निम्नलिखित में कौन सा दोस्तों युग्म है जो सुमिलित है? जी दोस्तों, जो सुमिलित है वह है दोस्तों आपके पुंडरिक विट्ठल और रागमाला, ये दोस्तों सुमिलित है, बाकी सभी गलत है। तो ऑप्शन नंबर हम यहाँ से सी को आंसर कर सकते हैं दोस्तों। जितने भी क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं किसी ना किसी दोस्तों एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स आगामी एग्जाम्स के लिए, आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वाला है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर, चूंकि इस वीडियो में हमें आपको मध्यकालीन भारत को पूरा खत्म करनी है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स के पास। जी हमारे प्यारे दोस्तों, अगला टॉपिक है आपका दिल्ली सल्तनत से विविध कुछ प्रश्न है, आप जरूर लगा लीजिएगा। पहला प्रश्न दोस्तों कि निम्न व्यक्तियों ने भारत के विभिन्न समय पर राज्य किया, उनके राज्य का सही काल कर्म जो है आपको नीचे दिए गए हैं, आपको दोस्तों चयन करनी है। जी है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सबसे पहले जो रहेगा रजिया सुल्तान, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद दोस्तों शेरशाह, और उसके बाद अकबर। तो इन सभी लोगों के लिए फ्रेंड्स हम जो एक एक क्वेश्चन ला रहे हैं उनके बारे में दोस्तों आपको डिटेल से बताया जाएगा, इसलिए वीडियो को आप लास्ट जरूर लगा लीजिएगा। जी हाँ, चाहे शेरशाह हो, अकबर हो, अलाउद्दीन खिलजी हो, सभी के बारे में दोस्तों हम लोग चर्चा आज करने वाले हैं, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित यात्रियों में से जो पधारने का दोस्तों जो क्रम रहा, अनुक्रम रहा है, वो किस तरह से दोस्तों रहा है? तो वह दोस्तों रहा आपके ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पहले दोस्तों आपके ट्रेवनियर आए, फिर सॉरी क्षमा चाहेंगे आपसे, पहले अलवर्णी आए फ्रेंड्स, फिर इब्न बतूता आया, फिर दोस्तों आपके ट्रेवनियर आया, और उसके बाद दोस्तों मनुची आया है, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों को आप जरूर याद रखा कीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न नंबर नेक्स्ट दोस्तों, और ये प्रश्न काफ़ी वरी है तो इस प्रश्न को छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 4 का आंसर कर लीजिए, आंसर क्या रहेगा जल्दी से। निम्नलिखित जी बिल्कुल आसान है, निम्नलिखित मध्यकालीन विद्वानों लेखकों को कौन से दोस्तों जैन धर्म के अनुयायी था? जी हाँ, और ये दोस्तों पूछा गया प्रश्न भी है, ध्यान देंगे दोस्तों ये प्रश्न आपके पूछा भी गया है दोस्तों, वह है हेमचंद्र सूरी। कौन है दोस्तों? हेमचंद्र सूरी। भारत में पोलो खेल का दोस्तों जो प्रचलन किया था ये किसने किया था? दोस्तों यह किया गया था तुर्की के द्वारा।
जी हाँ, पोलो खेल का दोस्तों जो प्रचलन हुआ था ये दोस्तों तुर्की के द्वारा किया गया था और ये आरआरबी जम्मू एएसएम 2004 के बहुत पुराने प्रश्न है। अगला प्रश्न है, नीचे के युगों में से दोस्तों एक ओर प्राचीन और मध्य युग के राजाओं के नाम और दूसरी ओर उनके वीरचित ग्रंथ हैं और इनमें से दोस्तों कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है दोस्तों। तो ये जो मेरे प्यारे दोस्तों आंसर आ रहा है, आपने जो आंसर किया है ऑप्शन नंबर बी महेंद्र वर्मन और मत विलास प्रश्न जो कि सही है। और दोस्तों ये प्रश्न आपके आईएएस प्री 1993 के इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, सूची वन और सूची दो को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को आपको चयन कर लीजिए जो कि नंबर 7 आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। और इसका दोस्तों आंसर आएगा, सॉरी दोस्तों, इसका जो दोस्तों आंसर आएगा वो आंसर क्या आएगा ध्यान देना है और आंसर जरूर करनी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों बिल्कुल आसान है, ये जो प्लासी की जो युद्ध हुई थी दोस्तों ये अब देखिए इतनी आसान प्रश्न है कि आप जल्दी से दोस्तों आंसर कर लेंगे। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो प्लासी की जो युद्ध हुई थी ये हुआ था कहाँ पे? तो दोस्तों ये जो हुआ था 1757 में हुआ था। ये क्या हो रहा है, एक मिनट दोस्तों, हाँ ठीक है, जी हाँ दोस्तों, तो ये हुआ था प्लासी की युद्ध 1757 में। अगर हम दोस्तों कलिंग युद्ध की बात करते हैं तो ये जो दोस्तों कलिंग युद्ध हुआ था ये कब हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था आपके कलिंग युद्ध दोस्तों हुआ था, ये हुआ था 261 ईसा पूर्व। उसी में दोस्तों अगर हम हल्दी घाटी की बात करते हैं, जी हाँ, तो 1576 सभी का साथ को पता है। और दोस्तों हम तराइन युद्ध की अगर बात करते हैं तो ये हुआ था 1192 ईस्वी में। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, दशार वदान कौन कहलाते हैं दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, तो ये जो दोस्तों कहलाते हैं ये कहलाते मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर आपका राइट रहेगा, उलेमा कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं दोस्तों? उलेमा इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सूची वन और सूची दो को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चयन करनी है। मेरे प्यारे दोस्तों इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा दोस्तों? वो रहेगा आपका, ध्यान से देखना है, अगर हम फिरोज तुगलक की बात करें दोस्तों तो ये चला जाएगा आपको नहरों के निर्माण के लिए जाने जाते हैं। अगर हम बलबन की बात करते हैं दोस्तों तो बलबन नवरोज होते हैं। और औलादीन की अगर हम बात करें दोस्तों तो ये फ्रेंड्स दीवाने खैरा सॉरी रियासत हैं। और उसी में दोस्तों और भी आपके हैं, तो ये तीनों दोस्तों हो गए। और जहांगीर की बात करें फ्रेंड्स तो सर थॉमस रो आप लगा सकते हैं। ठीक है, जी हाँ दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लगाना चाहेंगे, नंबर 10 आपके स्क्रीन पे है। बहुत कुछ ऐसे प्रश्न दोस्तों हैं जो आपको देख सकते हैं, रेवे सर के पूछे गए भी दोस्तों प्रश्न होते हैं। तो नंबर 11 है कि निम्नलिखित में दोस्तों कौन सा है जो सुमेलित नहीं है? जी सुमेलित दोस्तों नहीं है। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ जो है दोस्तों जो सुमेलित नहीं है नंबर 11 दोस्तों वह है चांद बीबी अवध। ठीक है, ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर। और ये आरटीएस 2016 का इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। अगला प्रश्न नंबर नेक्स्ट है कि 13वीं और 14वीं शताब्दी में भारतीय कृषक खेती नहीं करता था। ध्यान दीजिएगा, 13वीं और 14वीं शताब्दी में भारतीय कृषक दोस्तों खेती नहीं करता था। ठीक है जी हाँ दोस्तों, तो उस समय दोस्तों जो था ना वो मक्का की खेती करता था, मक्का की खेती नहीं करता था, बाकी गेहूं का, चना का, जौ का, ये सब का खेती करता था बट मक्का का नहीं करता था। ठीक है, उसके बाद 13वीं 14वीं के बाद जो है मक्का प्रारंभ हुआ है। निम्नलिखित में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के दोस्तों समय में हुआ था? दोस्तों यह हुआ था जोहार प्रथा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नंबर नेक्स्ट है, और जितने भी क्वेश्चन हैं दोस्तों सारे इंपॉर्टेंट हैं, सारे आपके बहुत ही बेहतरीन हैं। जी हाँ, नंबर 14 है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए दोस्तों। नंबर 14 का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सर ए रहेगा। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले होगा कुतुब मीनार का निर्माण, उसके बाद दोस्तों आपके फिरोज तुगलक की मृत्यु हो गई, उसके बाद दोस्तों आपकी पुर्तगालियों का भारत में आगमन हो गया, और सबसे लास्ट में दोस्तों विजयनगर के कृष्णदेव राय का शासनकाल चला है। तो इस तरह से दोस्तों आप आंसर कर सकते हैं ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ दोस्तों, मैं सभी प्रश्न को आज टॉपिक वाइज लेके आया हूँ दोस्तों, और मध्यकालीन भारत को आज एक ही वीडियो में आपके दोस्तों मैं समाप्त कर रहा हूं। तो बिल्कुल आप लोग क्लास को अगर शेयर कर लेंगे, जी हां, वीडियो को अपने मित्रों के पास पहुंचा देंगे तो आपके मित्र भी दोस्तों एक वीडियो में पूरे मध्यकालीन भारत को खत्म कर सकते हैं और आने वाले दोस्तों एग्जाम में आपके सिलेक्शन भी जरूर हो जाएगा। जी हां दोस्तों, अब हम बात करते हैं उत्तर भारत और दक्कन के प्राचीन राजवंश के बारे में। जी हां, तो पहला प्रश्न है कि अहमदनगर के निजाम शाही वंश का दोस्तों जो अंत हुआ था ये कैसे हुआ था दोस्तों? तो ये जो हुआ था अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन दोस्तों कारावास कर दिया गया था। तो ऑप्शंस ए रहेगा दोस्तों सही आंसर। अगला प्रश्न है, द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी है दोस्तों? तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, होयसल राजवंश की। सी रहेगा दोस्तों सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दोस्तों आपको विचार करनी है कि राइट आंसर दोस्तों क्या रहेगा। जी हाँ, नंबर 3 है दोस्तों, प्रश्न है आपका कि जैन उल आवेदीन के द्वारा पूरी की गई कश्मीर की जामा मस्जिद की दोस्तों जो प्रभावकारी विशेषता है ये किसमें शामिल है दोस्तों? तो ये जो दोस्तों शामिल है ऑप्शन नंबर बी यानी कि वुर्ज, बौद्ध,
पगोडाओ के समानता और फारसी शैली। तो ऑप्शंस भी रहेगा आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जौनपुर नगर निम्नलिखित में से दोस्तों किसकी स्मृति में स्थापित किया गया था? जी हाँ दोस्तों, तो यह जो स्थापित किया गया था पहले दोस्तों, यह किया गया था मोहम्मद बिन कासिम के स्मृति में, याद में, ठीक है। दक्षिण की बहमनी राज्य के संस्थापक निम्न में से दोस्तों कौन था? तो जी हाँ दोस्तों, यह था हसन गंगू। वह युग्म दोस्तों जो सही सुमेलित नहीं है आपको बतानी है। जी हाँ, आपको बतानी दोस्तों, वह सही सुमेलित कौन सी नहीं है दोस्तों? इसमें जो है यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर से संबंधित नहीं है। ऑप्शन डी रहेगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि होयसल स्मारक दोस्तों जो पाए जाते हैं, ये कहाँ पे दोस्तों पाए जाते हैं? दोस्तों ये हेलिविड और वेलोड में आपको मिलेंगे होयसल स्मारक। निम्नलिखित में कौन सी विद्वान कुंभा के दरबार में दोस्तों नहीं था? जी हाँ, सीडीएस 2012 के इंपोर्टेंट प्रश्न भी है दोस्तों और साथियों। कुंभा के जो स्मारक दरबार में नहीं था, वह कौन था दोस्तों? तो वह था मुनि जिन विजय सूरी, ठीक है। जौनपुर नगर की स्थापना दोस्तों किसने किया था? जी हाँ दोस्तों, जौनपुर नगर की अगर स्थापना की हम बात करते हैं तो दोस्तों वह किया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। वी रहेगा आपका सही आंसर। वहवनी राज्य में दोस्तों जो स्थापित किया गया था, ध्यान देंगे वहवनी राज्य दोस्तों स्थापित किया गया था ना, नंबर 10 का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वो रहेगा 14वीं सदी में। कब जी? 14वीं सदी में। अगला प्रश्न नंबर नेक्स्ट है कि गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है दोस्तों? गोलकुंडा को वर्तमान में जो पैर दोस्तों कहा जाता है, ये कहा जाता है, आप आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद इज राइट आंसर, ठीक है। कहाँ पर है? हैदराबाद दोस्तों रहेगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, और किसी भी क्वेश्चन किसी भी दोस्तों प्रश्न के आंसर जानते हैं तो आपको आंसर कमेंट जरूर कर लेनी है। होयसलों को ग्रीन राजधानी दोस्तों, सॉरी प्राचीन राजधानी जो दोस्तों द्वार समुद्र वर्तमान में, सॉरी क्षमा चाहेंगे आपसे, होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है? दोस्तों यहाँ का जो नाम है वह था हेलविड। ऑप्शन नंबर सी रहेगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, सरकी सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का दोस्तों सिराज कहा जाता था? जी हाँ दोस्तों, ये जो कहा जाता था दोस्तों, ये कहा जाता था जौनपुर को। ऑप्शन नंबर सी रहेगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग में दोस्तों आपको विचार करनी है, मध्यकालीन भारत राज्य है और वर्तमान में वह क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो नंबर 14 का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी रहेगा, केवल और केवल दोस्तों दो है, ठीक है, केवल और केवल दोस्तों दो है, यानी कि दोस्तों दुर्ग जो है सो दुग्गर ये जम्मू में है, ठीक है। अगला प्रश्न है, और ये भी दोस्तों उसी टाइप के प्रश्न है, बट ये प्रश्न आपके बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और बतानी है कि दोस्तों यहाँ जो सुमेलित करनी है, और यहाँ से दोस्तों जो आदिल शाह होगा, नंबर 15 का ध्यान दीजिएगा दोस्तों, और दोस्तों यहाँ से जो आदिल शाह होगा दोस्तों, वह होगा वीजापुर के निर्माण करने वाले, ठीक है। अगर दोस्तों और सभी साथियों, अगर हम दोस्तों यहाँ से कुतुब शाही की बात करते हैं तो ये दोस्तों रहेगा आपके गोलकुंडा, ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों अगर हम निजाम शाही की बात करते हैं तो अहमदनगर में है, और सरकी शाही की बात करते दोस्तों तो वह कहाँ है? जौनपुर में, जो अभी ये प्रश्न आपको पीछे आया भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन से नंबर 16 इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में दोस्तों कौन सा एक सुमेलित है दोस्तों? तो ये जो दोस्तों सुमेलित है, ध्यान देंगे, और ये आपके देख सकते हैं यहाँ से UPSC मेंस 2003 के, UP लोअर सेकेंडरी सब डिवीजन का यहाँ से 2008 के, तो कई बार दोस्तों ये प्रश्न पूछा भी गया दोस्तों। यह है होयसल द्वार समुद्र रहेगा बिल्कुल राइट आंसर। यहाँ से ऑप्शंस भी रहेगा आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्मारक में वह गुंबज है, गुंबद है दोस्तों जो संसार के विशालतम गुंबदों में से एक है? जी दोस्तों, तो वह है गोल गुंबद वीजापुर वाला। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी रहेगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, और गोलकुंडा दोस्तों कहाँ पे है? तो दोस्तों यह हैदराबाद है। काफी सारे कन्फ्यूजन आते हैं और गलतियां होती है, तो गोल गुंबद आप लगाएंगे, गोल गुंबद विजयपुर से रहेगा, और गोलकुंडा रहेगा दोस्तों आप हैदराबाद चलेंगे, ठीक ना। गलतियां इस प्रश्न में काफी डाउट्स आती है। और दोस्तों गुजरी महल दोस्तों बनवाया था, ये मानसिंह ने बनवाया था। किसने दोस्तों? मानसिंह के दोस्तों बनवाया गया था। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से दोस्तों जाना जाता था, वह कौन था मेरे प्यारे दोस्तों? वह था जैनुल था, यानी कि जैन उल आबेदीन उसे कहा जाता था। नंबर 20 है, बहवनी राज्य की स्थापना दोस्तों किसने किया था? दोस्तों बहवनी राज्य की जो स्थापना दोस्तों किया गया था, यह किसके द्वारा दोस्तों किया गया था? इस प्रश्न का दोस्तों सही आंसर रहेगा 1347 में। ये दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1347 में किया गया था। चलते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट के पास। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है आपके भक्ति और सूफी आंदोलन से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं अभी आपको करा रहा हूँ। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 1 है, जो कबीर जो ये दोस्तों शिष्य थे, ये किसके शिष्य थे? जी हाँ दोस्तों, ये रामानंद के शिष्य थे कबीर। नंबर 2 है, प्रसिद्ध भक्त कवित्री
मीरा की पति दोस्तों कौन था? जी हाँ दोस्तों, मीरा के जो पति था दोस्तों वह था राजकुमार भोजराज। ऑप्शन नंबर बी रहेगा दोस्तों राइट आंसर। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस नामक ग्रंथ के दोस्तों जो रचयिता हैं, जो रचना करने वाले हैं दोस्तों, ये कौन है? दोस्तों ये है तुलसीदास। ऑप्शन नंबर ए। और कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है आपके सभी इंपॉर्टेंट एग्जामों में। भक्त तुक्काराम कौन से मुगल सम्राट के दोस्तों समकालीन थे? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी जहांगीर। सही आंसर। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से दोस्तों संबंध रखते हैं? जी दोस्तों, तो ये जो है दोस्तों वैष्णव संप्रदाय से। ऑप्शन सी रहेगा आपका राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भक्ति आंदोलन दोस्तों जो प्रारंभ किया गया था यह किसके द्वारा दोस्तों प्रारंभ किया गया था, स्टार्ट किया गया था? जी दोस्तों, तो यह शुरू किया गया था आलवार संतों के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? आलवार संतों के द्वारा। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से किस संत का जन्म प्रयाग में दोस्तों हुआ था? तो ये जो दोस्तों हुआ था ये रामानंद का हुआ था, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, राम कोविंद सॉरी क्षमा चाहेंगे राग कोविंद के रचनाकार दोस्तों कौन है? जी दोस्तों ये है मीराबाई। ऑप्शन नंबर ए मीराबाई राइट रहेगा। तुलसीदास दोस्तों किसके समकालीन थे? जी हमारे प्यारे दोस्तों सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और मेरे मित्र किसी भी प्रश्न के आंसर जानते हैं तो कमेंट भी जरूर कीजिएगा। निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद के पद भी दोस्तों प्रदान की गई थी? जी दोस्तों, तो ये क्या कहता था, शेख सलीम चिश्ती को। डी इज राइट आंसर। और यूपी लॉयर सब इंस्पेक्टर दोस्तों यहाँ से 2008 के इंपॉर्टेंट दोस्तों प्रश्न भी है, बिल्कुल रिकॉर्डिंग हो रही है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन का भारत में पुनर्जागरण दोस्तों कौन है? जी हाँ दोस्तों, पुनर्जन्म सॉरी। तो दोस्तों ये जो है भक्ति आंदोलन के वह 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी में कब होता, आपको डी आंसर करनी है, ठीक है? ईसाइयों की गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है दोस्तों? आप देखते होंगे गुड फ्राइडे वो लोग मनाते हैं, क्यों मनाते हैं दोस्तों? तो ये जो दोस्तों मनाया जाता है चूंकि ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था इसी दिन। ऑप्शन नंबर सी रहेगा सही आंसर। बीजक का दोस्तों रचयिता कौन है? जी हाँ दोस्तों, बीजक के जो रचयिता है ये कौन है? सही आंसर रहेगा दोस्तों कबीर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट रहेगा। अगला प्रश्न नंबर 14 है कि निम्नलिखित संतों को उनके काल क्रम अनुसार के दोस्तों आपको क्या करनी है, नियोजित करनी है दोस्तों। जी है दोस्तों, तो ये जो दोस्तों आप पासस लगा रहे हैं ना नंबर 14 का, आपने जो सी को लॉक किया बिल्कुल सही है। सबसे पहले आ जाएगा नामदेव, ठीक है? जी है दोस्तों, उसके बाद आएगा कबीर, उसके बाद दोस्तों आएगा आपके नानक, उसके बाद दोस्तों मीराबाई। तो इसको आप काल क्रम अनुसार दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों? अगला प्रश्न नंबर 15 है, और भी प्यारा प्रश्न है, आंसर जरूर कीजिएगा। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन के दोस्तों मुख्य साम्य क्या था? जी दोस्तों, तो यह था आपका ऑप्शन नंबर सी संसार दुखपूर्ण है। संसार दुखपूर्ण है, और यार अभी 2008 के इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवाद के संकलन का दोस्तों जो शीर्षक था, यह शीर्षक क्या था मेरे प्यारे दोस्तों? यह शीर्षक था अमर मूल। ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर। नंबर 17 है, निम्न में से दोस्तों कौन सी रचना है जो संत तुलसीदास की नहीं है? जी दोस्तों, कौन सी रचना है जो संत तुलसीदास की नहीं है? दोस्तों ये जो है ना इसमें साहित्य रत्न जो है संत तुलसीदास की नहीं है, बाकी सभी है गीतावली है, विनय पत्रिका है, कवितावली है, ये सभी है तुलसीदास की रचना। निम्नलिखित में कौन है दोस्तों जो भक्ति आंदोलन के प्रस्तावक नहीं था? जी दोस्तों, तो वह है नागार्जुन, जो भक्ति आंदोलन के प्रस्तावक नहीं था। सूची 1 और सूची 2 को आपको सम्मिलित करके नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर आपको चुननी है दोस्तों। तो अगर हम दोस्तों बात करते हैं यहाँ से, जी हाँ ध्यान देना चाहेंगे दोस्तों, अगर हम दोस्तों यहाँ से बात करते हैं ख्वाजा मुइद्दीन चिश्ती की, दोस्तों ये जो है ना चिश्तिया का किए थे। और अगर हम दोस्तों बात करते हैं यहाँ से, ध्यान दीजिएगा, शेख अहमद सर हिंदी को, तो दोस्तों शेख अहमद सर हिंदी जो थे फ्रेंड्स ये थे नक्सबंदिया और दाड़ा विद्रोह दोस्तों, ये थे कादरिया और शेख सबुद्दीन, जी हाँ ये थे सुहारा वर्दिया। तो इस तरह से दोस्तों आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिलों में कौन संगीत के दोस्तों विरुद्ध था? जी हाँ दोस्तों, संगीत के विरुद्ध था दोस्तों, वह था नक्शबंदिया जो था संगीत के बिल्कुल विरुद्ध था। तो UPPCS मेंस 2013 का इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय या जाति ना पूछे, यह कथन दोस्तों किसने कहा था? जी हाँ दोस्तों, और यह जो मेरे प्यारे दोस्तों कथन कहा गया था, यह कथन कहा गया था रामानंद के द्वारा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर, और CAPF 2015 के इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। अगला प्रश्न है, संत घासीदास के पिताजी का नाम क्या था? जी दोस्तों, तो यह नाम था
महंगो डी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन दोस्तों इस्लाम से प्रभावित था? दोस्तों वे थे नामदेव थे दोस्तों जो इस्लाम से प्रभावित थे। निम्नलिखित में कौन है दोस्तों जो वर्करी संप्रदाय के संत था? जी दोस्तों तो वह था नामदेव, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। सभी व्यक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी जिन्होंने, जी दोस्तों उनमें से क्या है? दोस्तों उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे, ठीक है। और ये बीपीएससी 2005 के इंपोर्टेंट दोस्तों प्रश्न भी हैं। अगला प्रश्न है, मूलक दास एक संत कवि थे? जी हाँ, नंबर 26 बिल्कुल सही है, वह है कारा के, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, नंबर 27 ध्यान दीजिएगा, और उम्मीद है दोस्तों भरोसा है कि आपका एक एक प्रश्नों का आंसर भी आ जाएगा। निम्नलिखित भक्ति संतों पर दोस्तों विचार करनी है, जी हाँ, तो दोस्तों यहाँ से आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, सिर्फ और सिर्फ केवल दो रहेगा, चूंकि यहाँ से गुरु नानक रहेगा राइट आंसर, ठीक है। संतों का अगर बात करते तो सिर्फ सिर्फ गुरु नानक रहेंगे। नंबर 28 फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बिना वीडियो को स्किप किए हुए आप लास्ट तक जरूर लगाइए, चूंकि प्रश्न आज के दोस्तों अगर आप पूरे क्लास फ्रेंड्स लगाते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मध्यकालीन भारत के आप एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे। भारत में चित्तस्य सूफी मत दोस्तों मत जो स्थापित किया गया था यह किसके द्वारा? दोस्तों यह किया गया था ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती के द्वारा, ऑप्शन बी रहेगा आपका राइट आंसर। भारतीय इतिहास में सूफीवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से दोस्तों कथन पर आपको विचार करनी है। जी हाँ दोस्तों, तो यह जो कथन रहेगा, ठीक है, दो और चार रहेगा, क्योंकि दोस्तों शेख नसरुद्दीन चिराग ए दिल्ली शेख निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। और अगर हम चौथा की बात करते हैं तो भारत में सूफियों की कादरी पद्धतियां सबसे पहले शेख नियामतुल्ला और मखदूम मोहम्मद जियानी के द्वारा दोस्तों लागू की गई थी, ठीक है। अगला प्रश्न है नंबर 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर भी जरूर करना चाहेंगे। मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में से किस तरह के आचरण का दोस्तों निर्वाह करते थे? मेरे प्यारे दोस्तों ये जो था ना ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, क्योंकि ध्यान साधना और श्वास नियमन, एकांत में कठोर योगिक व्यायाम और श्रोताओं में अत्याध्यात्मिक हर्षो नमाद उत्पन्न करने के लिए दोस्तों पवित्र गीतों का गायन, ठीक है। और जहां भी दोस्तों प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो रही है फ्रेंड्स, क्षमा भी आपसे चाहूंगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक दोस्तों सही कालानुक्रम है? ये दोस्तों तो ये जो दोस्तों आपका राइट और सही आंसर रहेगा आपका रहेगा शंकराचार्य, उसके बाद रामानुज, उसके बाद चैतन्य, यानी कि ऑप्शंस अगर आप ए लगा रहे हैं ना तो बिल्कुल दोस्तों सही लगा रहे हैं, और एसएससी 2014 का इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। अगला प्रश्न नंबर नेक्स्ट दोस्तों नंबर 33 है कि भारत में चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संत कौन था? जी दोस्तों तो यह जो था शेख मुहिद्दीन चिश्ती, ऑप्शन नंबर ए। कामरूप में वैष्णव धर्म को दोस्तों लोकप्रिय बनाया? जी हाँ दोस्तों, ये जो बनाया गया था ये बनाया गया था शंकर देव ने। किसने बनाया था दोस्तों? शंकर देव ने। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भक्ति संतों का सही तैथिक कालानुक्रम दोस्तों अनुक्रम को आपको चुननी है, तो वो दोस्तों आंसर रहेगा सबसे पहले कबीर, उसके बाद गुरु नानक, उसके बाद चैतन्य, उसके बाद मीराबाई, ऑप्शंस। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शंस तो आप सही लगा रहे, बट थोड़ी सी डाउट्स आएंगी, कन्फ्यूजन भी दोस्तों आएगी, जो कि बिल्कुल सही है। निम्नलिखित संतों में से दोस्तों कौन से सूफी संत है? जी हाँ दोस्तों, निम्नलिखित संतों में से दोस्तों कौन है जो सूफी संत है दोस्तों? तो वह जो दोस्तों केवल उनके बाद दोस्तों नियामुद्दीन औलिया है और मुहिद्दीन चिश्ती है, सिर्फ दो है। तो ऑप्शन नंबर आप दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे सी वाला को, जो कि सही रहेगा, आपका राइट भी आएगा। अगला प्रश्न है, असम एवं कूच बिहार में वैष्णव धर्म का दोस्तों प्रवर्तन किसने किया था? दोस्तों ये किया गया था शंकर देव के द्वारा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी शंकर देव के द्वारा दोस्तों किया गया था। अगला प्रश्न है नंबर 38 है, निम्नलिखित युग्म में से दोस्तों गलत युग्म को पहचाननी है। जी दोस्तों, इसमें जो गलत युग्म है वो कौन से, और यहाँ से झारखंड पीसीएस 2011 का इंपॉर्टेंट दोस्तों प्रश्न भी बताया जा रहा है। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप आंसर लगा रहे हैं ना बिल्कुल सही लगा रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी औलिया मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन चिश्ती सिलसिले से संबंधित दोस्तों नहीं है? जी हाँ दोस्तों, वह है शेख अब्दुल जिलानी, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूफी संतों में से कौन है जो एक सर्वप्रथम दोस्तों अजमेर में बसे थे? जी हाँ दोस्तों, ये थे आपके ऑप्शन नंबर ए शेख मुहिद्दीन चिश्ती, इज राइट आंसर नंबर 41 है। सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकर देव दोस्तों जो संबंधित थे, यह किससे दोस्तों संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी वैष्णव संप्रदाय से आपका सही आंसर आ चुका है।
भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने दोस्तों ज्योतिर्लिंग स्थापित है। जी दोस्तों, तो इसमें आपको 12 ऑप्शन नंबर बी, और कई बार ये प्रश्न आपको पूछे गए एसएससी के 2014 वाले प्रश्न में, और कई बार दोस्तों ये प्रश्न पूछे जाने की संभावना भी रहती है। निम्नलिखित में किसे भारत का शादी दोस्तों कहता है? जी हाँ, भारत का शादी कहा गया है दोस्तों, ये कहा गया है अमीर हसन को। निम्नलिखित सूफियों में से किसने कृष्ण को औलिया के रूप में दोस्तों माना है? जी हाँ दोस्तों, तो ये जो माना है ना, ये है शाह मोहम्मद गौस ने। निम्नलिखित में से कौन है जो सूफीवाद में चिश्तिया शाखा का दोस्तों संस्थापक था? जी हाँ दोस्तों, तो ये जो था ना, जो शाखा का संस्थापक था दोस्तों, यह था क्वाजी अबू अब्दाल, और ये यूपीपीसीएस 2014 का इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। रामानुज दोस्तों किससे संबंधित है? जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, नंबर 46 है रामा दोस्तों, जो नूज है ये हैं आपके ऑप्शन नंबर, जो आपने आंसर किया दोस्तों सी रहेगा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामानुज के अनुयायी को दोस्तों क्या कहा जाता था? जी हाँ दोस्तों, तो ये कहा जाता है वैष्णव। रामानुज के अनुयायी को दोस्तों वैष्णव कहा जाता है। निम्नलिखित में से दोस्तों किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया के भेंट करने से इनकार कर दिया था दोस्तों? तो यह होगा औलादीन खिलजी। ख्वाजा मुइद्दीन चिश्ती दोस्तों किसके शिष्य थे? और ये भी कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, ये थे ख्वाजा उस्मान हारूनी को। ठीक है, शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन जो दोस्तों किया था, ये किसने किया था? जी हाँ पर दोस्तों, तो ये जो किया गया था दोस्तों, वल्लभाचार्य ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सी स्थान गुरु नानक का दोस्तों जन्म स्थल था? जी मेरे प्यारे दोस्तों, गुरु नानक का जन्म स्थल था दोस्तों, तो वह था आपका ननकाना। क्या था दोस्तों? ननकाना। ऑप्शन नंबर सी रहेगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध सूफीवाद से दोस्तों नहीं है? जी हाँ, सूफीवाद से दोस्तों नहीं है, तो वह रहेगा दोस्तों आपका उलेमा। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों उलेमा रहेगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता है दोस्तों? तो महबूब ए इलाही दोस्तों कहलाता है, ये कहलाता है आपके ऑप्शन नंबर डी, शेख निजामुद्दीन औलिया डी रहेगा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, अजमेर में ख्वाजा मुइद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नजर यानी कि फ्रेंड्स भेंट भेजने वाले प्रथम मराठा सरदार कौन थे? जी हाँ दोस्तों, तो वह थे राजा साहू, शिवाजी के पौत्र थे। शिवाजी के पौत्र थे दोस्तों राजा साहू, जो अजमेर में ख्वाजा मुइद्दीन चिश्ती के दरगाह में भेंट भेजे थे। अगला प्रश्न है, महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्मस्थली दोस्तों कहाँ पर है? जी हाँ, तो दोस्तों यह चंपारण्य में। ठीक है, नंबर नेक्स्ट है कि किसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म को दोस्तों स्थापना की, और वह कौन था? जी दोस्तों, तो वह था सिकंदर लोदी के शासनकाल में। किसके शासन में? सिकंदर लोदी के शासन में ही दोस्तों सिख धर्म की स्थापना की गई थी। निम्न में से कौन एक है जो भक्ति दोस्तों आंदोलन के साथ नहीं जुड़ा हुआ है? जी दोस्तों, भक्ति आंदोलन के साथ दोस्तों नहीं जुड़ा हुआ है, तो मेरे प्यारे दोस्तों आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, अमीर खुसरो इज राइट आंसर। शेख फरीद का सर्वाधिक ख्याति लब्ध शिष्य जिसने दिल्ली को 7 सुल्तानों का शासन देखा था दोस्तों, वह कौन था? दोस्तों वह था निजामुद्दीन औलिया। ऑप्शन नंबर ए निजामुद्दीन औलिया रहेगा राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन दोस्तों है जो आपका सुमेलित है दोस्तों? तो वह रहेगा आपका द्वैतवाद माधवाचार्य इज राइट आंसर। शेख निजामुद्दीन औलिया दोस्तों किसके शिष्य थे? ये भी प्रश्न आपको कई बार दोस्तों पूछे जाते हैं। जी हाँ, शेख निजामुद्दीन जो दोस्तों औलिया थे, ये दोस्तों किसके थे? बाबा फरीद के। किसके थे दोस्तों? बाबा फरीद के शिष्य थे। अगला प्रश्न है, वाहर माशा की रचना दोस्तों किसने किया था? जी हाँ दोस्तों, वाहर माशा की जो दोस्तों रचना किया गया था, ये किया गया था मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। निम्नलिखित में से किस सूफी संत के विचार को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ के दोस्तों संकलित किया गया था दोस्तों? तो ये किया गया था आपके ऑप्शन नंबर सी, फरीदुद्दीन गंज ए शंकर, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजमी वारिस अली शाह का मजार मेला दोस्तों जो लगता है, ये कहाँ लगता है? ये मेरे दोस्तों, और दोस्तों ये जो बाजार मेला लगता है ना, आप आंसर करना चाहेंगे दोस्तों कहाँ पे लगता है? दोस्तों ये लगता है देवा शरीफ में। नेक्स्ट है, शेख निजामुद्दीन औलिया के दोस्तों दरगाह जो है, ये कहाँ पे स्थित है? दोस्तों ये दरगाह है दिल्ली में। कहाँ पे जी? दिल्ली में, देश की राजधानी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पे दोस्तों आपको विचार करनी है। जी हाँ, निम्नलिखित कथनों पे मेरे प्यारे दोस्तों आपको विचार करनी है, अगर आप जानते हैं तो बिल्कुल आंसर लगा सकते हैं। नंबर 65, बीजक संत दादू दयाल के उपदेशों का एक संलग्न थे, पुष्टि मार्ग के दर्शन के माधवाचार्य के प्रतिपादन थे, तो आंसर दोस्तों करना चाहेंगे ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक है ना तो दो, यानी कि दोनों दोस्तों ये गलत बात है। अगला प्रश्न है,
ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुणों को पहचानता तथा उनकी जाति नहीं पूछता है। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी। यह सिद्धांत किस दोस्तों? भक्ति संत का है। जी हाँ प्यारे दोस्तों, और यह बहुत ही अच्छा सिद्धांत है दोस्तों। यह जो है ना, यह दोस्तों है गुरु नानक जी का, ऑप्शन नंबर सी, और ये RAS RTS 2010 का इंपोर्टेंट प्रश्न भी है। कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य के दोस्तों रचना किसने किया था? वही बार पूछे जाएंगे आपको, प्रेम वाटिका के जो रचनाकार हैं, जो काव्य के, ये कौन है दोस्तों? तो ये है रस खान, याद रखिएगा। कौन है दोस्तों? ये रस खान होते हैं। अगला प्रश्न है, क्राइस्ट का दोस्तों जन्म स्थान कहाँ? जी हाँ, क्राइस्ट का जन्म स्थान मेरे दोस्तों कहाँ पर है? तो सभी बात आंसर करेंगे, बेथलेहम है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती दोस्तों जो रहते थे, ये कहाँ रहते थे दोस्तों? ये रहते थे फतेहपुर सिकरी में। सलीम चिश्ती कहाँ रहते थे? फतेहपुर सिकरी में सर रहते थे। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, जिनमें से एक कथन ए है, दूसरे कथन का फ्रेंड्स आर है। तो इसका आंसर दोस्तों मैं बता देता हूँ डायरेक्टली आपको, ऑप्शन नंबर सी रहेगा, ए सही है, परंतु आर गलत है। ए इसलिए सही है क्योंकि भारत में सूफियों के चिश्ती धर्म संघ का प्रवर्तक और सर प्रमुख व्यक्ति ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती ही थे, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में दोस्तों किस वक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का दोस्तों प्रयोग किया था? जी हाँ दोस्तों, तो यह जो करने वाले थे दोस्तों, ये थे ऑप्शन नंबर सी, रामानंद रहेगा आपका सही आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, मीराबाई किसके समकालीन थे? जी हाँ, मीराबाई जो दोस्तों थे, ये थे तुलसीदास के समकालीन। किसके समकालीन दोस्तों? तुलसीदास के समकालीन थे। ईस्टर त्यौहार के पीछे ईसाइयों की भावना क्या है? जी हाँ दोस्तों, ईस्टर त्यौहार के पीछे जो ईसाइयों का दोस्तों भावना है, ये भावना क्या होता है दोस्तों? यह होता है कि उस दिन ईसा पुनर्जीवित होते हैं। जी हाँ, इस दिन दोस्तों ये पर्व इसलिए मनाते हैं, उन्हें लगता है कि उस दिन दोस्तों ईसा जो है पुनः जीवित होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन से ईसाई संत पशु पक्षियों से दोस्तों प्रेम के लिए विख्यात है? जी मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये हैं आपके असीसी संत के फ्रांसीसी। अगला प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, और आंसर करना चाहेंगे दोस्तों कि किस सूफी संत की मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है? मेरे भाई दोस्तों, ये मानते थे मुइद्दीन चिश्ती के द्वारा, यानी कि वो मानते थे कि दोस्तों जो भक्ति संगीत है, ईश्वर के निकट पहुंचने का एक बहुत ही अच्छा साधन है। दोस्तों ये आपके सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। अब हम लोग करने वाले हैं मुगल वंश के। जी हाँ, उम्मीद करता हूँ जो मित्र यहाँ तक वीडियो को देखे हैं, यानी फ्रेंड्स, वो अवश्य ही सिलेक्शन लेना चाहते हैं, और हो सके तो क्लास को जल्दी से जल्दी शेयर भी कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, हम बात करते हैं अब हम मुगल वंश के, और मुगल वंश से दोस्तों सबसे पहले हम बाबर के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य में दोस्तों हुआ था? तो यह जो दोस्तों युद्ध हुआ था, यह हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। सभी साथियों को पता है, ऑप्शन नंबर डी रहेगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर टू है, तुजुक ए बाबरी किस भाषा में दोस्तों लिखा गया है? मेरे प्यारे दोस्तों, तुजुक ए बाबरी जो लिखा गया है, ये लिखा गया दोस्तों तुर्की भाषा में। किस भाषा में दोस्तों? तुर्की भाषा में लिखा गया। और सभी प्रश्न दोस्तों आपके किसी ना किसी एग्जाम्स के पूछे गए हैं, इसलिए फ्रेंड्स ये क्लास बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नंबर थ्री है, निम्नलिखित पे दोस्तों आपको विचार करनी है कि बाबर के दोस्तों भारत में आने का जो फलस्वरूप हुआ था, ये क्या क्या हुआ था? तो जी हाँ दोस्तों, ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, केवल दोस्तों इस क्षेत्र में तैमूरी यानी कि त्रिउमिद राजवंश की स्थापित हुआ था। तो ऑप्शंस आप बी को याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, मेवाड़ के जिस राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में दोस्तों बाबर ने हराया था, दोस्तों वह कौन था? जी हाँ दोस्तों, वह जो था ना, वह था आपका राणा संगा, ऑप्शन नंबर डी, और ये SSC 2005 का इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। अगला प्रश्न है, भारत में मुगल शासक बनने का जहरुद्दीन मोहम्मद ने डैश दोस्तों नाम रखा था? तो दोस्तों वह नाम रखा था बाबर। जी हाँ। अगला प्रश्न है, बाबर के साम्राज्य में जो दोस्तों सम्मिलित थे, ये क्या क्या दोस्तों थे? तो उस समय दोस्तों तो आपको मिलते थे काबुल का क्षेत्र था, पंजाब का क्षेत्र था, और आधुनिक राजस्थान का क्षेत्र था, और फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश का क्षेत्र नहीं था। तो ऑप्शन आप सी को आंसर करना चाहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राजा का दोस्तों उल्लेख किया है? जी हाँ, बाबर ने अपने बाबरनामा में दोस्तों जो उल्लेख किया है हिंदू राजा का, वह दोस्तों हिंदू राजा है मेवाड़ के। कहाँ के जी? मेवाड़ राजा है। अगला प्रश्न है, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वाले में से एक दोस्तों आलम खान थे? जी हाँ, नंबर एट का दोस्तों आंसर रहेगा कि इब्राहिम लोदी से संबंधित थे तथा वह दिल्ली के राज सिंहासन के दरबार में थे, ठीक है। जी हाँ, अगला प्रश्न है, सॉरी दावेदार में थे, क्षमा चाहेंगे। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में दोस्तों पराजित कर दिया था? दोस्तों हुआ था 1526 में, पानीपत के युद्ध जो हुआ था 1526, ऑप्शन नंबर वी याद रखिएगा।
वह मुगल सम्राट जिसने जीवन में धैर्य संकल्प से सफलता की शिक्षा दोस्तों मिलती है, दोस्तों वह कौन है? दोस्तों वह है जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ऑप्शन नंबर ए रहेगा आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत मुख्य दोस्तों कारण था ये क्या था? ये दोस्तों तो ये था आपका उनकी सैन्य कुशलता। नंबर 12 है, बाबर ने सर्वप्रथम दोस्तों पादशाह की पदवी धारण की थी। कौन सी? पादशाह की पदवी दोस्तों धारण किया था। यह क्या था दोस्तों? कहां पे? काबुल में किया था। दोस्तों नीचे दिए गए कथन है आपको सही आंसर करनी है। तो कारण है आपका पहला, जी हां दोस्तों कथन यहां पे दिया है और दोनों मिक्स कर दे। तो फ्रेंड सबसे पहले हम कथन देखते हैं। सॉरी, बाबर ने बाबरनामा दोस्तों तुर्की में लिखा है और तुर्की मुगल दरबार की दोस्तों राजभाषा थी। तो हमें दोस्तों ऐसा लग रहा है कि ए बिल्कुल सही है और मुगल दरबार की राजभाषा फ्रेंड नहीं थी, ये दोस्तों लिखा गया। ठीक है, तो ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत में दोस्तों मुगल शासक वस्तुतः क्या थे? जी हाँ दोस्तों, तो यह एक थे चगताई तुर्क थे। ऑप्शन नंबर सी, मुगल शासक वस्तुतः क्या थे मध्यकालीन भारत में? तो यह चगताई तुर्क थे। निम्नलिखित युद्धों में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा किया दोस्तों? जिहाद की घोषणा किया था, जी हाँ दोस्तों, तो ये किया गया था खानवा के युद्ध में। किसमें? खानवा के युद्ध में दोस्तों, यहीं से जिहाद का उत्पत्ति हुआ है। निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष के द्वारा प्रथम बार तोपों का दोस्तों उपयोग किया, यानी कि सबसे पहले जो तोप का दोस्तों प्रयोग हुआ था वह हुआ था पानीपत के प्रथम युद्ध में। किसमें? पानीपत के प्रथम युद्ध में दोस्तों यह हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में दोस्तों कौन सी युग्म सुमेलित नहीं है? जी दोस्तों, सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों चंदेरी का युद्ध दोस्तों हुआ था ना, ये 1530 में नहीं हुआ था। ठीक है, चंदेरी का दोस्तों युद्ध जो है 1530 में नहीं हुआ था, इसलिए डी रहेगा दोस्तों राइट आंसर। और कब हुआ था आपको कमेंट बॉक्स में दोस्तों कमेंट जरूर लगा लेनी है, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। अगला प्रश्न है, जी हाँ दोस्तों, इनमें से किसने बाबर को सर ए पुल में युद्ध में दोस्तों पराजित किया था? दोस्तों वह जो था ना, जो पराजित करने वाला था दोस्तों, वह था सेवानी खां। नेक्स्ट है कि बाबर की इब्राहिम लोदी पर दोस्तों विजय का कारण क्या था? तो जी हाँ दोस्तों, वह था तोपखाना, और ये फ्रेंड्स तोपखाना के वजह से इब्राहिम लोदी से जीत गए थे। तो मैंने दोस्तों अभी बात की आपसे मुगल वंश के बाबर के बारे में, अब थोड़ी हम जानकारी दोस्तों देते हैं हुमायूं और शेरशाह के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हुमायूं और शेरशाह के बारे में कुछ हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न की अगर हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अपने हजरत आला की उपाधि दोस्तों अपनाई और बाद में सुल्तान की, ध्यान दीजिएगा, बाद में दोस्तों क्या हुआ, वह सुल्तान की उपाधि धारण कर लिया था दोस्तों, हुआ था शेरशाह सूरी। सी इज राइट आंसर। ठीक है, नंबर टू है, जी दोस्तों नंबर टू है, और निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण दोस्तों करवाया था? तो यह जो दोस्तों हाजी बेगम था, यह कौन था दोस्तों? हाजी बेगम थी। अगला प्रश्न है, नंबर थ्री है दोस्तों, कि शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपया की विनिमय दर दोस्तों क्या थी? जी दोस्तों, तो यह जो विनिमय दर थी ये दोस्तों आपके थे 64:1 में। ठीक है, डी रहेगा राइट आंसर दोस्तों, 64:1 में। अगला प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, और किसी भी क्वेश्चन दोस्तों आंसर जानते हैं तो आंसर भी जरूर लगाए किसी का। जी हाँ, मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना सारा साम्राज्य खो दिया होता, इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक के संबंध दोस्तों करेंगे? तो यह जो दोस्तों कहा गया था शेरशाह के द्वारा कहा गया था, और SSC+2 2012 का इंपोर्टेंट प्रश्न भी है। दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण निम्नलिखित में दोस्तों किसने करवाया था? जी हां दोस्तों, तो यह करवाया गया था शेरशाह के द्वारा। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए आपने सही किया है। अगला प्रश्न है, फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना, जी हाँ, फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना वो कहाँ से दोस्तों शिक्षा प्राप्त किया था? दोस्तों यह किया था जौनपुर से। जी हाँ, जौनपुर से शिक्षा प्राप्त किया था। निम्नलिखित में दोस्तों किस स्मारक का निर्माण शेरशाह ने करवाया था? जी दोस्तों, यह करवाया था दिल्ली के किला ए कुआना मस्जिद। और दोस्तों मैं आपसे उम्मीद जरूर कर सकता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लग रही है। अगर वीडियो फ्रेंड्स अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, क्लास को जरूर शेयर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न नामों में से दोस्तों उसे चिन्हित करिए जो हुमायूं के भाइयों के लिए दोस्तों नाम नहीं है। जी दोस्तों, तो वह नाम है दोस्तों उस्मान। अगला प्रश्न है, कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा और काबिलियत की व्यवस्था दोस्तों प्रारंभ कर दिया था? दोस्तों वह था शेरशाह। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर आ चुका है, और देख सकते कई बार ये प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिला है।
शेरशाह का दोस्तों मकबरा कहाँ पर है? बिल्कुल आसान प्रश्न दोस्तों, यह है सासाराम में। कहें दोस्तों शेरशाह का मकबरा कहाँ पे है? दोस्तों सासाराम, याद रखेगा। शेरशाह सूरी की मृत्यु दोस्तों जो हुई थी ये कहाँ हुई थी? जी हाँ, शेरशाह की दोस्तों जो मृत्यु हुई थी ये हुआ था कलिंजर में। ऑप्शन बी, दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत किस शासक के द्वारा स्वर्ण मुद्राएं का दोस्तों सर्वप्रथम प्रचलन किया गया था? मेरे प्यारे दोस्तों यह जो प्रचलन किया गया था यह रहेगा ऑप्शन नंबर बी, हुमायूं रहेगा आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से कौन एक उच्च दोस्तों शिक्षित था? नंबर 13 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल सही है, राइट है, बढ़िया तैयारी है, बहुत अच्छी रिस्पॉन्स है। बिल्कुल दोस्तों अपने आंसर किया शेरशाह था, बिल्कुल राइट वाला। अगला प्रश्न है, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण दोस्तों कब किया था? जी हाँ दोस्तों, तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर ए 1532 में। कब किया गया था दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए 1532 रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदी का सिक्का दोस्तों किसने शुरू किया था? जी हाँ दोस्तों, चांदी के सिक्का किसने शुरू किया था? तो मेरे प्यारे दोस्तों ये किया गया था शेरशाह के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा। और ये भी प्रश्न आपको कई बार एग्जाम में देखने को मिल जाता है। अगला प्रश्न है, हुमायूं द्वारा लड़े गए चार प्रमुख युद्ध के तिथि अनुसार फ्रेंड्स सही क्रम में आपको अंकित करें और युद्ध स्थल के नाम पर नीचे दिए गए अंकित है, ठीक है। तो दोस्तों आपको आंसर जो रहेगा वो रहेगा आपका पहले देवरा, फिर चौसा, फिर कन्नौज, फिर सरहिंद। तो ऑप्शन डी रहेगा दोस्तों राइट आंसर। अगर आपसे दोस्तों इसकी सन इस भी पता है तो आप जरूर कमेंट करेंगे, मैं आपका इंतजार करूंगा। अगला प्रश्न है कि शेरशाह सूरी के द्वारा किए गए सुधार में दोस्तों जो सम्मिलित हैं ये क्या है? जी दोस्तों, तो इसमें उपयुक्त तो सभी है, यानी कि राजस्व सुधार है, सैनिक सुधार है, प्रशासनिक सुधार है, करेंसी प्रणाली सुधार, यानी कि उपयुक्त तो सभी। ऑप्शन नंबर डी रहेगा आपका राइट आंसर। तो ये दोस्तों बात हम कर रहे थे किसका? हुमायूं और शेरशाह की। अब हम दोस्तों बात करेंगे आपकी क्लास में अकबर के बारे में, जो कि फ्रेंड्स अकबर से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपके आगामी एग्जाम में दोस्तों पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलते हैं आगे। जी हमारे प्यारे दोस्तों, हम बात करते हैं अब अकबर के बारे में। और अकबर के बारे में दोस्तों पहला प्रश्न है कि निम्न तथ्यों में से कौन से तथ्य ऐसा है जो अकबर के राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में दोस्तों सहायक नहीं है? दोस्तों वह है, अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया था। ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर प्रश्न के अनुसार। अगला प्रश्न है, नंबर दो है दोस्तों, इनमें से किस एक व्यवस्था के बंदोबस्त व्यवस्था के नाम पर दोस्तों जाना जाता है? जी हाँ दोस्तों, तो ये जो है ना दोस्तों आपका आंसर रहेगा दहशाला, ऑप्शन नंबर बी। और ये SSC 10+2 2015 का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। अगला प्रश्न दोस्तों नंबर 3 है कि अकबर के द्वारा अपनाई गई सुलह एकोली यानी कि सार्वभौम शांति और भाईचारा की अवधारणा निम्नलिखित में से दोस्तों किस पे आधारित था? ये दोस्तों तो यह था उपयुक्त सभी, यानी कि राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता और उदारवादी संस्कृति का दृष्टिकोण, जो कि सही है, बिल्कुल राइट है। नंबर 4 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस किले का निर्माण अकबर के राज्यकाल में दोस्तों नहीं कराया गया था? दोस्तों वह जो किला था दिल्ली का लाल किला, अकबर के राज्यकाल में दोस्तों नहीं कराया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, अकबर के इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में दोस्तों अनुवाद किया था? जी मेरे दोस्तों, तो यह किया गया था अब्दुल कादिर वंदायुनी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर दोस्तों आपने किया है। नंबर 6 है, जी हाँ दोस्तों, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं के मृत्यु के सूचना मिलने पर दोस्तों राजगद्दी पर बैठाया गया था? जी हाँ दोस्तों, तो यह जो बैठाया गया था कालानौर के युद्ध में सूचना मिलने के बाद। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका रहेगा सही आंसर। और मेरे प्यारे दोस्तों जितने भी मैं प्रश्न करा रहा हूँ ना, सारे प्रश्न आपके आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर लगाइएगा। अकबर की लोकप्रियता दोस्तों किसके कारण हुआ करता था? जी हाँ, तो दोस्तों वे हुआ करते थे लोकप्रिय, ABCD सभी सही है, यानी कि मनसबदारी प्रथा के लिए, भू राजस्व व्यवस्था के लिए, धार्मिक नीति के लिए, सामाजिक सुधार के लिए, तभी तो इतना दिन सबसे ज्यादा यही शासन करके गए हैं। अबुल फजल की मृत्यु इनमें से फ्रेंड्स किसके कारण हुआ है? तो दोस्तों अबुल फजल की मृत्यु शहजादा सलीम, किसके कारण? शहजादा सलीम के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी किया गया था दोस्तों? और यह जो किया गया था दोस्तों अकबर के लिए ही किया गया था, फतवा जारी अभी भी आजकल होता है, आप लोग को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग दोस्तों बताइए क्या रहेगा? यानी फतवा जारी होता है दोस्तों कि उस अब जब जारी हो जाएगा तो फ्रेंड्स आप गैर मुस्लिम माने जाएंगे, ठीक है ना, इसीलिए। तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, दिल्ली से कमेंट करेंगे दोस्तों। इधर सम्राट है और इधर पे मकबरा है, बिल्कुल आसान है दोस्तों, सम्राट है इधर मकबरा है। जी दोस्तों, तो इस प्रश्न का सही और दोस्तों राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी, चूंकि दोस्तों हम बाबर की अगर बात करते हैं दोस्तों, यहाँ की मकबरा कहाँ है? काबुल में है।
अकबर की दोस्तों हम बात करते हैं तो दोस्तों यह है सिकंदरा में, और दोस्तों जहांगीर की अगर बात करते हैं तो यह है लाहौर में, और अगर हम शाहजहां की दोस्तों बात करते हैं तो यह है आगरा में। जी हाँ, ताजमहल याद है ना? जी हाँ बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है, हल्दीघाटी के दोस्तों युद्ध के पीछे जो अकबर का मुख्य उद्देश्य था मेरे दोस्तों, ये क्या था? थोड़ी फास्ट पास करता हूँ चूंकि प्रश्न बहुत सारे अभी बचे हुए हैं दोस्तों। वो रहेगा राणा प्रताप को अपने अधीन लाना, ऑप्शंस ए रहेगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? जी हाँ दोस्तों, हुआ था अकबर ही, जिन्होंने दोस्तों तीर्थ यात्रा पे जो टैक्स लगता था उसको खत्म कर दिया था। अगला प्रश्न है, भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेरशाह एवं अकबर के मध्य निम्नलिखित में से दोस्तों कौन नैर चेतन ने करी थी? दोस्तों वह थी ऑप्शन नंबर बी, टोडरमल रहेगा आपका सही आंसर। नंबर 14 है, निम्न कथनों पे दोस्तों विचार करनी है। जी हाँ दोस्तों, ये जो आपका आंसर आएगा दोस्तों, मैं डायरेक्ट आंसर कर देता हूँ, ऑप्शन नंबर सी रहेगा, ए सही है परंतु आर गलत है, तो आर ए देखेंगे सही क्या है। अकबर ने 1602 में फतेहपुर सिकरी बुलंद दरवाजा दोस्तों बनवाया था, तो यहाँ से आप याद रखेगा अकबर के द्वारा ही बुलंद दरवाजा का निर्माण हुआ जो फतेहपुर सिकरी में प्रेजेंट है, और दोस्तों 1602 में ये बनाया गया है, तो इसको याद रखिएगा। अकबर के काल में दोस्तों महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में दोस्तों हुआ था वह कौन था? दोस्तों हुआ था फैजी, दे इज राइट आंसर, फैजी इज करेक्ट आंसर। नंबर नेक्स्ट दोस्तों, सम्राट अकबर के द्वारा निम्न में से दोस्तों किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? जी दोस्तों, जरी कलम की जो उपाधि प्रदान की गई थी दोस्तों वह मोहम्मद हुसैन को। किसको दोस्तों? मोहम्मद हुसैन को। हल्दीघाटी के दोस्तों युद्ध किस वर्ष हुआ था? और ये प्रश्न अभी भी आया था और अभी आ रहा है फ्रेंड्स, तो 1576, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित बादशाहों में से दोस्तों किसको एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है दोस्तों? तो ये जो दोस्तों कहा जा सकता है, नंबर 18 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये रहेगा अकबर, ऑप्शन नंबर सी अकबर रहेगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आयने ए दशाला पद्धति दोस्तों किसके द्वारा निर्मित किया गया है? फ्रेंड्स नंबर 19 है, बहुत बढ़िया बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी, टोडरमल दोस्तों अपने आंसर किया है जो कि सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से दोस्तों किसका निर्माण अकबर ने दोस्तों करवाया था? दोस्तों ये करवाया गया था बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने 1602 में आपने करवाया था, बिल्कुल सही देखा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दोस्तों किसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था? दोस्तों बिल्कुल जी, तो दोस्तों और साथियों ये जो किया गया था ये अब्दुल कादिर वंदायुनी के द्वारा दोस्तों किया गया था, और ये देख सकते हैं कई बार ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा, जिसे जगत गुरु की उपाधि दोस्तों सम्मानित किया गया था, वे कौन थे? दोस्तों वह जो थे फतेह हरि विजय सूरी, ऑप्शन नंबर बी रहेगा आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हल्दीघाटी के युद्ध में दोस्तों महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? जी हाँ, जो 1576 में हुई थी दोस्तों वह था हकीम खान, ध्यान देंगे ऑप्शन नंबर सी, महाराणा के जो सेना महाराणा प्रताप के जो सेनापति थे दोस्तों वह थे हकीम खान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में दोस्तों किसने यह आज्ञा दी थी कि आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए और वह तभी दूसरा विवाह कर सकता है जब वह पहली पत्नी से बाध्य हो? ठीक है दोस्तों, यहां ध्यान देंगे ऑप्शन नंबर सी रहेगा, वह था अकबर ही, यह प्रावधान अकबर ने ही दोस्तों लाया था। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष दोस्तों आरंभ किया था? जी दोस्तों, अकबर ने दीन ए इलाही दोस्तों फ्रेंड्स स्टार्ट किया था, ये कब स्टार्ट किया था दोस्तों? तो 1582 में। कब किया था? 1582 में। निम्न में से किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधी दोस्तों सुधार किया था? जी दोस्तों, शिक्षा संबंधी सुधार किया था, तो यह था अकबर ही दोस्तों, ऑप्शन नंबर अकबर रहेगा राइट आंसर, डी रहेगा सही आंसर। महाभारत के फारसी अनुवाद शीर्षक दोस्तों कौन था? नंबर 27 है, बिल्कुल सही आ चुका सर, ऑप्शन नंबर बी रजनामा आप याद रखिएगा। जी हाँ, महाभारत के फारसी अनुवाद जो शीर्षक है रजनामा को कहा जाता है। मुगल सम्राट अकबर के समय के प्रसिद्ध चित्रकार दोस्तों जो था ये कौन था? दोस्तों यह था दस्तवत, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में दोस्तों किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? दोस्तों वह परिवार था कछवाहा परिवार, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अकबर का दोस्तों शासन जो जाना जाता है ये किसके लिए दोस्तों जाना जाता है? नंबर 30 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर दोस्तों रहेगा, यह जो दोस्तों जाना जाता है क्षेत्रों को जीतने के लिए, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए और न्यायिक प्रशासन के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो कि सही रहेगा दोस्तों, उसकी धार्मिक कट्टरता के लिए नहीं। जी हाँ, अकबर सभी धर्म को मिलाकर चलते थे फ्रेंड, सभी को साथ लेके चलना चाहते थे और साथ चलने भी है। टोडरमल ने फ्रेंड्स किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित किया था? जी हाँ दोस्तों, नंबर 31 से कमेंट करेंगे अगर आप जानते हैं किसी प्रश्न का आंसर तो दोस्तों वो रहेगा भू राजस्व, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर आ चुका है। अगला प्रश्न है, दीन ए इलाही की प्रचार
किस शासक ने किया था दोस्तों? तो ये किया गया था अकबर के शासकों ने। किस चिश्ती संत के दरगाह पर अकबर दर्शन हेतु अधिक जाता था दोस्तों? तो वह जो दोस्तों जाया करते थे मुहिद्दीन चिश्ती के यहाँ, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, आप यह देखिएगा मुहिद्दीन चिश्ती के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जी हाँ, अकबर ने शासनकाल में दोस्तों पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख क्या था दोस्तों? तो वह था मीर बख्शी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि किस इतिहासकार ने दीन इलाही को धर्म दोस्तों कहा था, एक धर्म कहा? जी हाँ दोस्तों, यह धर्म कहा गया था, जो कहा गया था दोस्तों, इसमें तो अकबर है ही नहीं दोस्तों, बट अकबर के द्वारा कहा गया था, तो आप इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी को आंसर कर लीजिएगा, ठीक है। अकबर के द्वारा बनाई गई सर्वश्रेष्ठ इमारतें जो दोस्तों है, ये कहाँ पर पाई जाती है? जी दोस्तों, तो ये है फतेहपुर सिकरी में। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम समकालीन जो दोस्तों राजा थे, ये कौन थे? जी हाँ, एलिजाबेथ प्रथम के समकालीन जो भारतीय दोस्तों राजा थे, यह थे अकबर ही थे। निम्नलिखित में से दोस्तों किसे अकबर ने स्वयं मारा था? जी हाँ दोस्तों, तो वह था आदम खां को अकबर ने स्वयं दोस्तों मार दिया था। अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था दोस्तों जो आधारित थी, ये कैसी थी दोस्तों? यह था एक मनसबदारी प्रणाली, ऑप्शन नंबर। कई बार ये प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को भी मिलता है। इबादत खाने का निर्माण दोस्तों किसने करवाया था? जी हाँ दोस्तों, इबादत खाने का जो दोस्तों निर्माण करवाया गया था, यह भी अकबर के द्वारा ही करवाया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, अकबर के द्वारा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, जी हाँ दोस्तों, अकबर के द्वारा बनाई गई कौन सी इमारतें हैं जो नक्शा बौद्ध विहार दोस्तों की तरह दिखता है? दोस्तों वह जो है वह है पंचमहल, ऑप्शन नंबर ए। क्या रहेगा दोस्तों? पंचमहल रहेगा आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया था दोस्तों, वह कौन था? नंबर 42 से आंसर कीजिएगा दोस्तों, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर दोस्तों डी रहेगा, वह है अबुल फजल इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है नंबर 43 है दोस्तों, अकबर के शासनकाल में निम्नलिखित घटनाओं को काल अनुरूप व्यवस्था करना है आपको, तो दोस्तों यहाँ से आंसर जो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए रहेगा। सबसे पहले जजिया की समाप्ति किया था, उसके बाद इबादत खाना का निर्माण किया था, मजहर का हस्ताक्षर किया, उसके बाद दीन इलाही का स्थापना भी किया था। अगला प्रश्न है, राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार दोस्तों नहीं किया था? ये दोस्तों वह था मेवाड़, ऑप्शन नंबर बी देगा दोस्तों आपका सही आंसर। अगला प्रश्न है, अकबर के द्वारा दीवान पूर्ण रूपेण दर्जा दिए जाने वाला प्रथम दोस्तों जो व्यक्ति था, ये व्यक्ति दोस्तों कौन था? तो दोस्तों ये व्यक्ति था मुजफ्फर खां, जी हाँ, तुर्वती, ऑप्शन नंबर सी रहेगा आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, फतेहपुर सिकरी का दोस्तों इबादत खाना जो दोस्तों था ये क्या था? जी हाँ दोस्तों, फतेहपुर सिकरी का जो इबादत दोस्तों खाना था ये क्या था? दोस्तों ये था एक वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वान साथ अकबर के साथ चर्चा करते थे, और ये IS 2014 का इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। अगला प्रश्न है, फतेहपुर सिकरी के दोस्तों बादशाह अकबर ने जो निर्मित कराया था दोस्तों ये कहाँ? दोस्तों ये रहेगा पंचमहल, ऑप्शन नंबर बी। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में दोस्तों मिलाया था, कब मिलाया था? दोस्तों यहाँ जो मिलाया था 1576 में ही, जी हाँ 1576 में ही मिला लिया था। किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर दोस्तों स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? दोस्तों वह जो था पता मारवाड़ के राव चंद्रसेन। अगला प्रश्न है कि अकबर ने किस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया और वह किस देश के प्रचलित प्रणाली के दोस्तों उधार ली गई थी? जी दोस्तों, तो वह था मंगोलिया से, ऑप्शन नंबर सी। कौन से स्मारक दोस्तों फतेहपुर सिकरी में नहीं है? दोस्तों फतेहपुर सिकरी में जो स्मारक नहीं है वह है दोस्तों आपके मकबरी महल। अगला प्रश्न है दोस्तों, जहांगीर महल कहां पे स्थित है? जी हां, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जहांगीर महल कहां पे स्थित है? ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, ये आगरा में स्थित है, बिल्कुल सही है, राइट है। अकबर के दरबार में आने वाला दोस्तों पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था? जी हां दोस्तों, तो सबसे पहला व्यक्ति था दोस्तों रॉल्फ फिंच था, ऑप्शन नंबर ए, जो कि सही किया आपने दोस्तों, राइट आंसर भी आप लगा चुके हैं। अगला प्रश्न है कि अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती की दोस्तों रानी थी ना, ये दोस्तों क्या होती बताइएगा? बहुत बढ़िया, 54 का आंसर दोस्तों आपने किया है, सर वह है मंडला। अगला प्रश्न है, कथन ए और कथन दो है दोस्तों, अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिक के लिए मनसबदारों के 20 घोड़े के रखरखाव करना पड़ता था, तो दोस्तों इसका जो आंसर रहेगा वो आंसर आपका कट गया दोस्तों, तो मैं अकबर से रिलेटेड इतना ही प्रश्न लगा पाया हूँ।
और उम्मीद करूंगा दोस्तों आपसे पूरी भरोसा भी करूंगा कि आपको फ्रेंड्स की क्लास अच्छी लग रही है। फ्रेंड्स क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, क्लास को दोस्तों शेयर कर लीजिएगा ताकि आपके जो सभी दोस्त अभी तक नहीं आए हैं जल्दी से आ जाएंगे, क्लास लगा लेंगे दोस्तों। तो ये जो है ऑप्शन नंबर आप सही लगा रहे दोस्तों, राइट लगा रहे हैं कि ए और आर दोनों सही है। जी हाँ दोस्तों, ये कारण और कथन दोनों बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अब दोस्तों हम लोग लगाने वाले हैं जहांगीर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जहांगीर दोस्तों लगाने के लिए आप लोग तैयार हो जाइएगा। ठीक है जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करते हैं जहांगीर के बारे में। और पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन है जो जहांगीर के दरबार में दोस्तों ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था। जी हाँ दोस्तों, तो वह जो दोस्त था जो जहांगीर के दरबार में था दोस्तों, वह था विलियम हॉकिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर ने थॉमस रो को कहां मिलने का दोस्तों अवसर दिया था। दोस्तों यह अवसर दिया गया था अजमेर में। कहां पे दोस्तों? अजमेर में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में दोस्तों किसका मकबरा भारत से बाहर स्थित है। दोस्तों तो यह जो है ये दोस्तों जहांगीर का ही मकबरा है दोस्तों, जो भारत से बाहर स्थित है। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा दोस्तों जो चित्रकार था ये कौन था? दोस्तों ये था मंसूर। ठीक है, अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो दोस्तों किस मुगल वास्ता का पुत्र था। जी हाँ दोस्तों, अमीर खुसरो दोस्तों था ये किस मुगल वास्ता का पुत्र था? दोस्तों ये जो था ना ये था जहांगीर का ही पुत्र था। ऑप्शन नंबर बी देगा आपका राइट आंसर। नंबर नेक्स्ट है, सूची वन और सूची दो को सम्मिलित करनी है और सूची के नीचे देखिए कोड को फ्रेंड्स आपको सही उत्तर का चयन भी करनी है। यहाँ निर्माता है और दोस्तों इधर आपको स्मारक दिया है। क्या दिया है? इधर निर्माता है, इधर स्मारक है। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा, अगर हम बाबर की बात करते हैं दोस्तों जामा मस्जिद बिल्कुल सही है। उसी में दोस्तों अगर हम बात करते हैं हुमायूं के दीन परमा ये भी सही है। अकबर जहांगीरी महल ये भी सही है। जहांगीर अकबर के मकबरे को पूर्ण करवाना ये भी सही है। तो बिल्कुल दोस्तों आपका राइट है, बिल्कुल सही आंसर, सभी सीधे के सीधे हैं। तो ऑप्शन नंबर आप यहां से ए को आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो सुमिलित नहीं है। जी हाँ दोस्तों, तो सुमिलित जो दोस्तों नहीं है वो है शेख निजामुद्दीन औलिया और अजमेर का मकबरा, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। तो आप डी को आंसर करेंगे। भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के पीछे दोस्तों अजमेर से मांडू आया था दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, तो ये जो आया था ये था थॉमस रो, ऑप्शन नंबर बी। दो अस्पा एवं सी अस्पा प्रथा किसने शुरू किया था दोस्तों? तो ये जो प्रथा दोस्तों स्टार्ट किया गया था जहांगीर के द्वारा शुरू किया गया था। इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के राजदूत पर सर थॉमस रो किस वर्ष दोस्तों भारत आए थे? तो ये दोस्तों 1615 में ही भारत आए थे। ठीक है, मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में दोस्तों अपनी प्रताकाष्ठा पे दोस्तों पहुंची, यानी कि शीर्ष पे दोस्तों पहुंच गया था? तो ये जहांगीर के समय में दोस्तों चित्रकला जो है काफी शीर्ष पे पहुंच गया था। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किसने अपनी आत्मकथा फारसी में दोस्तों लिखा है? तो दोस्तों वह जहांगीर है जिन्होंने अपनी आत्मकथा को किसमें फारसी में कन्वर्ट कर लिए थे। अबुल फजल के हत्यारे को दोस्तों प्रस्तुत जो किया था, ध्यान दीजिएगा, अबुल फजल के हत्यारे को दोस्तों जो प्रस्तुत किया था ये किसने किया था दोस्तों? तो ये था जहांगीर ही, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन नूर जहां के गुट का दोस्तों सदस्य नहीं था? जी दोस्तों, तो ये जो था ना जो नूर जहां के गुट का सदस्य नहीं था वह था दोस्तों खुर्रम, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न है, मुगल मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर दोस्तों आपको विचार करनी है और सही उत्तर कमेंट करनी है अगर आप जानते हैं तो। दोस्तों यह आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जात और सवार पद प्रदान किए जाते थे और मनसबदारों में दोस्तों तीन वर्ग हुआ करते थे। तो आप ऑप्शन नंबर सी को आंसर कर सकते हैं जो कि राइट रहेगा। मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्न में से किसे इंग्लिश खान की दोस्तों उपाधि दी थी? कौन सी खान? इंग्लिश खान की उपाधि दी थी दोस्तों, वह था विलियम हॉकिंस, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान दोस्तों विवरण दिया था वह कौन था? जी दोस्तों, तो वह जो था दोस्तों वह था फ्रांसिस्को पेलसर्ट, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। निम्नलिखित चित्रकारों में से दोस्तों किसे जहांगीर ने नादिर उज जमा की पदवी दोस्तों धारण करा दिया था? दोस्तों तो वह था आपका ऑप्शन नंबर ए अबुल हसन इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से दोस्तों किसने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, हुआ था केवल दो तीन और चार, जैसे कि आप खुर्रम था, महावत खां था और दोस्तों खुसरो था। ठीक है, अगला प्रश्न है और आंसर जरूर करेंगे, नंबर 20 का दोस्तों आंसर क्या आएगा, एतमा दू दौला का मकबरा आगरा में दोस्तों किसने बनवाया था? दोस्तों यह बनवाया गया था नूर जहां के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। और कई बार दोस्तों देख सकते हैं प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछे भी गए हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का दोस्तों
अप्रतिम उदाहरण है, ये कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो ये जो स्थित है दोस्तों ये है दतिया में। ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर। सम्राट जहांगीर को कहाँ पे दोस्तों दफन किया गया था? जी हाँ दोस्तों, तो ये इन्हें लाहौर में दफन कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी रहेगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है और आंसर जरूर करेंगे दोस्तों, आंसर क्या रहेगा? मुगल एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ के संधि किस शासक के शासनकाल में दोस्तों ये हुआ था? जी हाँ दोस्तों, तो ये जो हुआ था ये हुआ था जहांगीर के ही शासनकाल में। जहांगीर कालीन निम्नलिखित में से किस एक चित्रकार को नादिर उल असर की उपाधि प्रदान कर गए थे दोस्तों? तो ये किए थे विनस दास को। किसको कहते दोस्तों? विनस दास के। तो ये प्रश्न थे सभी आपके जहांगीर से। अब दोस्तों हम बात करते हैं शाहजहां से सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जी हाँ, तो पहला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पे है कि निम्न में से कौन से शाहजहां के शासनकाल के राज कवि था दोस्तों? तो जी हाँ दोस्तों, वह राज कवि था कलीम। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट रहेगा। निम्न में से दोस्तों किसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली को स्थानांतरित कर लिया था दोस्तों? तो वह जो स्थानांतरित करने वाला था दोस्तों वह था शाहजहां। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, दिल्ली के लाल किले का दोस्तों निर्माण किसने करवाया था? जी हां, कई बार ये प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलता है दोस्तों, वह है शाहजहां। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने दोस्तों उपहार में दिया था? जी हां दोस्तों, और ये उपहार मिला था मीर जुमला के द्वारा। मीर जुमला के द्वारा, और आरआरबी त्रिवेंद्रम फ्रेंड्स 2003 के इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। ईरान के शाह मुगल शासक के बीच झगड़े में दोस्तों जर क्या थी? जी हाँ, इस झगड़े का रीजन था दोस्तों कंधार को लेकर। ठीक है, मुमताज महल का दोस्तों असली नाम क्या है? जी हाँ, मुमताज महल का दोस्तों जो असली नाम है दोस्तों वह है अजुमंद वानो बेगम। ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर। नंबर सेवन है, कमेंट करेंगे आंसर क्या रहेगा अगर आप जानते हैं तो। सूची वन और सूची दो से दोस्तों सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए सही उत्तर का चयन भी करनी है दोस्तों। और साथियों अपने आंसर किया ऑप्शन नंबर सी जो कि सही है, राइट भी है दोस्तों, ध्यान देंगे यहाँ से। अगर हम सी की बात करें दोस्तों बिल्कुल सही है, अलाई दरवाजा दिल्ली, ये दोस्तों हाँ अलाउद्दीन खिलजी सही है। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी अकबर के द्वारा बिल्कुल सही है। मोती मस्जिद आगरा शाहजहां बिल्कुल सही है। मोती मस्जिद दिल्ली औरंगजेब, वेरी गुड फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासन में दोस्तों हुआ था? तो ये जो दोस्तों हुआ था ये हुआ था शाहजहां के शासनकाल में। गंधार के निकल जाने से मुगल सम्राट का एक बड़ा धक्का दोस्तों पहुंचा था। जी हाँ, एक बहुत ही बड़ा धक्का पहुंचा था दोस्तों। वह आंसर रहेगा सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से। किससे? सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से। अगला प्रश्न है, हिंदू तथा यूरानी वास्तुकला सर्वप्रथम समन्वय हमें देखने को दोस्तों जो मिलता है ये कहाँ मिलता है? ये दोस्तों वह ताजमहल में। कहाँ पे दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए दोस्तों वह मिलता है ताजमहल में। दारा सिगोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में दोस्तों अनुवाद किया था? जी हाँ, यह दोस्तों अनुवाद किया गया था ऑप्शन नंबर डी रहेगा, सिर ए अख्तर के द्वारा। डी रहेगा आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, और सभी प्रश्न दोस्तों आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हिंदू धर्म ग्रंथों को अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? जी हाँ दोस्तों, वह जो था वह था दोस्तों दादा सिगोह। ऑप्शन नंबर बी। किस मुगल बादशाह ने वलवन के द्वारा किया गया प्रारंभ किए गए दोस्तों दरबारी रियाज सिजदा समाप्त कर दिया था? जी हाँ दोस्तों, वह था शाहजहां। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। शाहजहां के वल्ख अभियान का उद्देश्य क्या था दोस्तों? यह जो उद्देश्य था, काबुल की सीमा से सटे वल्ख और वक्सा के एक मित्र शासक को लाना। अगला प्रश्न है, और ये दोस्तों आईएएस 2002 के इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है, निम्न में से किस मुगल बादशाह ने दिल्ली को जामा मस्जिद फ्रेंड्स निर्माण करवाया था? ध्यान देंगे आंसर करेंगे। जी हाँ बिल्कुल सही आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी शाहजहां रहेगा आपका सही उत्तर। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का दोस्तों स्वर्ण युग कहा? क्या कहा दोस्तों? स्वर्ण युग कहा गया है, और ये कहा गया दोस्तों एएल श्रीवास्तव के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? एएल श्रीवास्तव के द्वारा। अगला प्रश्न है, सिर ए अकबर, हाँ जी सिर ए अकबर के दोस्तों जो लेखक है ये कौन है दोस्तों? तो ये हैं दादा सिरो। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का दोस्तों नेतृत्व किया था? दोस्तों यह किया गया था कविंद्राचार्य के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जी हाँ दोस्तों, इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की दोस्तों पद दे दिया था? तो ये जो दे दिया था दोस्तों ये दादा सिगोह को दे ही रहा था। ऑप्शन नंबर ए रहेगा आपका सही उत्तर। नंबर 20 है,
निम्नलिखित में से दोस्तों कौन है जो शाहजहां के शासन में अधिकांश समय तक डक्कन का दोस्तों गवर्नर रहा था? जी दोस्तों, तो वह जो था ना वह है दोस्तों औरंगजेब। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे डी की, जो कि बिल्कुल सही किया दोस्तों, आपने बिल्कुल राइट किया। जी हमारे प्यारे दोस्तों, तो अभी तक दोस्तों मैंने आपके सारे क्वेश्चंस बिल्कुल इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ, और मध्यकालीन भारत के एक ही प्रश्न आपको कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, आप एक भी क्वेश्चन सोर के मत जाइए एग्जाम्स में। तो अगर हम बात करते दोस्तों औरंगजेब की, तो बिल्कुल औरंगजेब हमारे सामने दोस्तों आ चुका है। जी हाँ, तो दोस्तों औरंगजेब के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, आप लोग जरूर क्लास को शेयर कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है कि औरंगजेब के किस पुत्र ने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्लभ कर दिया था दोस्तों? तो ये रहेगा ऑप्शन नंबर बी, वह था दोस्तों अकबर। ठीक है, नेक्स्ट है कि मुगल सम्राट जिसने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों को दोस्तों नियुक्ति की थी, उसका क्या नाम था दोस्तों? वो उसका नाम था औरंगजेब। ऑप्शन नंबर बी रहेगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, बीबी का मकबरा दोस्तों जो निर्माण करता है, जो निर्माण किया है दोस्तों, ये किसने किया है? दोस्तों यह है औरंगजेब। बीबी के मकबरा औरंगजेब की तरफ दोस्तों ही बनाया गया है। अगला प्रश्न नंबर नेक्स्ट नंबर 4 है दोस्तों, कथन है और कारण है, और इसका सही आंसर कमेंट कर दिए दोस्तों। तो वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ए जो है दोस्तों बिल्कुल सत्य है और आर असत्य है। तो क्या कहता है दोस्तों कि मुगल गद्दी पर औरंगजेब शाहजहां का उत्तराधिकारी था, बिल्कुल सही है। किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 में पुरंदर की संधि पर दोस्तों हस्ताक्षर किए थे? दोस्तों वह था जयसिंह के साथ। इसके साथ जयसिंह के साथ। जजिया किसके शासनकाल में दोस्तों पुनः लगा दिया गया था? जी हाँ, किसके शासनकाल में दोस्तों फिर से लगा दिया गया था? तो वह था औरंगजेब। ऑप्शन नंबर बी। और खत्म किसमें किया गया था, यह भी आप कॉमेंट कीजिएगा। कौन सी मकबरा, जी हाँ दोस्तों, कौन सी मकबरा है जो द्वितीय ताजमहल दोस्तों कहलाता है? द्वितीय ताजमहल दोस्तों कहलाता है, यानी कि दूसरा ताजमहल दोस्तों, वह है राबिया उद दौरानी का मकबरा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का दोस्तों निर्माण जो किया था, ये किसने किया था दोस्तों? तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब के द्वारा। कई बार ये प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। निम्नलिखित में दोस्तों किस मुगल बादशाह को 2 बार राज्याभिषेक हुआ? ये भी प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, वह है औरंगजेब का 2 बार जो है राज्याभिषेक किया गया है। किस मुगल बादशाह को दोस्तों जिंदा पीर कहा जाता है? जी हाँ, जिंदा पीर कहा जाता है, वह है औरंगजेब ही। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया। औरंगजेब के द्वारा दोस्तों चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या होता है दोस्तों? जिहाद का जो अर्थ होता है वह होता है दारुल इस्लामी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, नंबर 12, और किसी भी दोस्तों प्रश्न के आंसर किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो बताइएगा। निम्नलिखित में दोस्तों कौन सम्राट है जो औरंगजेब की पुत्र थी? जी दोस्तों, तो वह थी मेहरुहिन्ना, सॉरी निहंसा। ऑप्शन डी रहेगा आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने बीजापुर के दोस्तों जो विजय की ना, ध्यान देंगे, बिल्कुल आसान प्रश्न है कि औरंगजेब दोस्तों बीजापुर की जो विजय की थी, ये कब किया था? जी हाँ दोस्तों, तो ये किया गया था 1686 में। कब दोस्तों? 1686 में। अगला प्रश्न नंबर नेक्स्ट है नंबर 14, ध्यान देंगे दोस्तों, आंसर करेंगे। दरमट का युद्ध निम्न में से किसके बीच दोस्तों लड़ा गया था? जी हाँ, यह दोस्तों लड़ा गया था औरंगजेब और दारा सिंगों के बीच। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नंबर 15 है, औरंगजेब ने किसको सहिवात उज जमानी की उपाधि दोस्तों प्रदान की थी? दोस्तों यह प्रदान किया गया था जहां आरा को। किसको दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी जहां आरा को। संत रामदास को किसके शासनकाल से संबंधित दोस्तों किया जाता है? जी हाँ, नंबर 16 इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कमेंट कीजिएगा आंसर क्या रहेगा दोस्तों। इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब रहेगा राइट आंसर। जी हाँ, 16 का आंसर रहेगा डी इज दोस्तों राइट आंसर। नंबर 17, औरंगजेब ने जोधपुर के शासन जसवंत सिंह को 1658 में धर्मट के युद्ध में पराजित किया था, और धर्मट किस राज्य में दोस्तों स्थित है, ये आंसर करनी है दोस्तों। यह है मध्य प्रदेश में। धर्मट कहाँ जी? मध्य प्रदेश में दोस्तों रहेगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, मुगल शाहजादा जिसने श्रीनगर दोस्तों गढ़वाल को आश्रय लिया था, वह कौन था दोस्तों? तो वह था सुलेमान सिगो। नंबर 19, औरंगजेब ने दोस्तों दक्षिण में जिन 2 राज्यों पर विजय किया था, वह कौन कौन था दोस्तों? तो वह राज्य था एक बीजापुर, एक गोलकुंडा। कौन था दोस्तों? एक बीजापुर था, एक गोलकुंडा था दोस्तों। और भी सारे टॉपिक्स है, जैसे कि मुगलकालीन प्रशासन है, मुगलकालीन दोस्तों संगीत चित्रकला है, जी दोस्तों मुगलकालीन साहित्य है, और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों वीडियो में जरूर बने रहिए, ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों आपको लगातार यहाँ मिलते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो बात करेंगे हम अभी मुगल कालीन प्रशासन के बारे में, जो कि फ्रेंड्स सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। पहला प्रश्न है कि मुगल प्रशासन में दोस्तों जो मुहतसिब होता था दोस्तों, ये कौन होता था? जी हाँ दोस्तों, तो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लोक आचरण अधिकारी होता था।
मुगल प्रशासनिक शब्दावली में जो दोस्तों माल होता है ये किसका दोस्तों प्रतिनिधित्व करता था दोस्तों, तो ये करता था भू राजस्व का, ऑप्शन नंबर ए रहेगा आपका सही आंसर। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, ये कथन दिया है और फ्रेंड्स कारण दिया है। कथन है दोस्तों कि मुगल काल में मनसबदारी प्रथा जो विद्यमान थी और कारण है कि मनसबदारों का चयन योग्यता के आधार पर दोस्तों होता था। उसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, कथन सही है परंतु जो कारण है दोस्तों वो गलत है, यानी कि ऑप्शन ए सही है और फ्रेंड्स जो आर वाला है ये बिल्कुल गलत दिया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रणाली प्रथा खास तौर पर इसलिए चालू की गई थी ताकि दोस्तों क्या हो, ताकि दोस्तों साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके। ऑप्शन नंबर डी रहेगा आपका सही आंसर। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि निम्न में से दिए गए कथन ए और कथन बी के व्याख्यान को पढ़े और निम्न में से दिए गए दोस्तों कोट का सही उत्तर चयन भी करनी है। मेरे पास दोस्तों सही जो और राइट आंसर दोस्तों रहेगा वह क्या रहेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी रहेगा, यानी कि ए और बी दोनों सही है, यानी कि सभी मनसबदार सेना के पदाधिकारी नहीं होते थे और मुगल शासन के अधिक उच्च अधिकारी भी मनसबदार दोस्तों होते थे और उनका वर्गीकरण भी होता था। अगला प्रश्न है कि मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के दोस्तों प्रयोग पर निषेध लगाया था ना दोस्तों, ये कौन था दोस्तों, ये थे जहांगीर। ऑप्शन नंबर सी रहेगा आपका सही आंसर, जो कि दोस्तों आपका रहेगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मुगल प्रशासन के दौरान जिले को किस नाम से दोस्तों जानते थे। जी हाँ दोस्तों, मुगल प्रशासन के दौरान जो जिले के नाम से दोस्तों जानते थे वह था सरकार के नाम से। जी हाँ, और कई बार ये प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। निम्नलिखित बातों में से दोस्तों कौन सा एक मुगल मनसबदारी व्यवस्था में जो है सत्य है, जो सॉरी दोस्तों सत्य नहीं है दोस्तों, वह है उनका सवार पद जात पद से दोस्तों अधिक हो सकता था, ये बिल्कुल फ्रेंड्स गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राजाओं में से किसने राम सीता की आकृति और रामसिया देवनागरी लेख में युक्त दोस्तों सिक्के चलाए हैं। जी दोस्तों, तो ये चलाया गया है अकबर के द्वारा, ऑप्शन नंबर आपका डी रहेगा राइट आंसर। मुगल शासन में तांबे का सिक्का दोस्तों जो कहलाता था ये क्या कहलाता दोस्तों, तो ये कहलाता था दाम, क्या कहलाता दोस्तों, और ये SSC CPU SI 2003 का एक बड़ा दोस्तों प्रश्न भी है। मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से दोस्तों कौन था। जी हमारे प्यारे दोस्तों, तो ये था मीर बख्शी, बिल्कुल सही आंसर है। मुगल मनसबदारी व्यवस्था के बारे में निम्न कथनों पर आपको विचार करनी और नीचे देखे कूट का दोस्तों सही उत्तर चयन भी करनी होती है दोस्तों। इस प्रश्न का आपका सही आंसर रहेगा, और देख सकते हैं आप यहाँ से कि दोस्तों ये UPUDA LDA मेंस 2010 के इम्पोर्टेंट प्रश्न भी है। जी हाँ दोस्तों, तो आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, केवल एक और तीन सही है। जी हाँ दोस्तों, केवल एक और तीन, यानी कि जात सवार पद प्रदान किए जाते थे और तीन दोस्तों मनसबदारों के तीन वर्ग थे, जो कि बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है, मुगल प्रशासन के दोस्तों जो मदद ए मास जो इंकित करता है दोस्तों, ये किसको इंकित करता है दोस्तों, ये इंकित करता है विद्वानों को दी जाने वाली राजत्व मुक्त अनुमत सॉरी अनुदत भूमि। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर नेक्स्ट है नंबर 14 है। फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन है सारे आपके आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, मध्यकाल में वटाई शब्द का दोस्तों अर्थ क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, ये होता है आपका लगान निर्धारित करने का तरीका होता है। निम्नलिखित में किसे मुगल सेना के चिकित्सक नियुक्त दोस्तों किया गया था दोस्तों, यह नियुक्त किया गया था मनुची को, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, मुगल कालीन भारत में दोस्तों राज्य की जो आय है ये प्रमुख स्रोत दोस्तों क्या था। जी दोस्तों, तो यह जो प्रमुख स्रोत था बिल्कुल आसान पर दोस्तों, यह था आपका भू राजस्व। याद रखिएगा दोस्तों, क्या रहेगा, भू राजस्व रहेगा दोस्तों सही आंसर। और अब आता है दोस्तों आपके मुगल कालीन संगीत और चित्रकला। जी दोस्तों, मुगल कालीन संगीत और चित्रकला से हम लोग कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। और पहला प्रश्न है कि दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन दोस्तों किसके द्वारा किया गया था। दोस्तों ये किया गया था अब्दुस समद के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों रहेगा राइट आंसर। ठीक है, और बीपीएससी के इंपोर्टेंट प्रश्न भी है। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल निम्नलिखित में से किस कला की विभिन्न शैलियों में दोस्तों दर्शित करते हैं। जी हां दोस्तों, तो ये रहेगा आपका चित्रकला, ऑप्शन नंबर बी। तानसेन वैजू वाजरा सॉरी बाबरा और गोपाल नायक जैसे संगीतज्ञों ने स्वामी हरिदास से प्रशिक्षण प्राप्त किया था और स्वामी हरिदास ने अनुयायियों में कितने संगीत अर्चना दोस्तों केंद्र स्थापित किए थे। दोस्तों आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, टोटल 5। ठीक है, प्रसिद्ध तानसेन का दोस्तों मकबरा कहाँ पे स्थित है। जी हाँ दोस्तों, तो प्रसिद्ध तानसेन का जो दोस्तों मकबरा है ये कहाँ पे है दोस्तों, यह है ग्वालियर में। ये भी प्रश्न आपको कई बार एग्जाम में देखने को मिल जाता है। मुगल चित्रकला के विषय में कौन से दोस्तों कथन है जो सही है और राइट है।
दोस्तों वह है युद्ध दृश्य, पशु पक्षी, प्राकृतिक दृश्य, दरबारी चित्रण, ये सभी दोस्तों इसमें आते हैं मुगल चित्रकला के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर डी आपने बिल्कुल सही आंसर दोस्तों लगा चुका है। निम्नलिखित में से दोस्तों कौन है जो जहांगीरी चित्रकार थे, नीचे दिए गए कोड को दोस्तों सही उत्तर आपको चयन करनी है। जी हमारे प्यारे दोस्तों, तो आपका सही दोस्तों और राइट आंसर दोस्तों आएगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1 और 3। जी हाँ, अबुल हसन और अक्का रेजा। अगला प्रश्न है, किशनगढ़ शैली किस कला के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है? जी हाँ दोस्तों, तो यह जो प्रसिद्ध है ये चित्रकला के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर दोस्तों आएगा। अकबर के शासन में ध्रुपद गायक को दोस्तों जो सम्मिलित थे, ये किसमें सही थे दोस्तों? तो आपका जो आंसर आएगा दोस्तों वह आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए 1 और 2 में, यानी कि तानसेन और हरिदास। ठीक है, तानसेन और हरिदास को आप याद रखेंगे। अच्छा दोस्तों, आप बताएंगे कि तानसेन का दोस्तों जो मूल नाम था, जी दोस्तों यह मूल नाम क्या था? दोस्तों तानसेन का मूल नाम था राम तनु पांडे। और चित्रकला के मुगल शैली का प्रारंभ दोस्तों किसने किया था? मेरे प्यारे दोस्तों, यह किया गया था हुमायूं के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, ये दोस्तों बी रहेगा आपका सही आंसर। मुगल चित्रकला के किसके शासनकाल में दोस्तों उन्नति हुई थी? दोस्तों यह जो हुआ था जहांगीर के समय में सबसे शीर्ष पे था ना। निम्नलिखित में से दोस्तों कौन सा संगीत है जो बाद बजाने में औरंगजेब की दोस्तों दक्षता थी, यानी कि उन्हें पता था? दोस्तों वह है बीना। ऑप्शन नंबर सी रहेगा आपका राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लाल कलावंत में हिंदू संगीत की दोस्तों शिक्षा ली थी? जी हाँ दोस्तों, और ये लिया गया था दोस्तों अकबर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। चित्रकला की मुगल कदम सॉरी कलम भारतीय लघु चित्र लगा कला की रीढ़ है। निम्नलिखित में से यह कलम पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा था दोस्तों? तो वह जो था ना दोस्तों वह था कालीघाट। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। दोस्तों आप अपनी तैयारी को वैसे कंटिन्यू रखिए, चूंकि सिलेक्शन आपको दोस्तों इस बार जरूर लेनी है। जहांगीर ने मुख्यतः दोस्तों निम्नलिखित में से किस कला को संरक्षण दिया था? दोस्तों यह दिया गया था ऑप्शन नंबर ए चित्रकला रहेगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए रहेगा आपका सही आंसर। प्रातःकाल में दोस्तों गाया जाने वाला जो राग होता है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? तो जो मॉर्निंग के टाइम दोस्तों जो प्रातःकाल में गाया जाता है दोस्तों उसे कहा जाता है तोरी। ऑप्शन नंबर दोस्तों ये रहेगा आपका सही आंसर। दोस्तों ये था मुगल कालीन के संगीत और चित्रकला से संबंधित प्रश्न है। आगे दोस्तों और भी टॉपिक हम लोग देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करते हैं मुगल कालीन साहित्य के बारे में। जी हाँ दोस्तों, तो पहला प्रश्न है, दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता है दोस्तों वह किसके द्वारा स्थापित किया गया था? मेरे प्यारे दोस्तों, यह जो स्थापित किया गया था यह किया गया था महम आगना के द्वारा। अगला प्रश्न है कि निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों योगदान रहा है? तो वह है दोस्तों अबूदर रहीम खाने खाना। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग में से दोस्तों कौन सा युग जो है सुमिलित है? बिल्कुल सही है दोस्तों, वह है बाबर, तुजुक ए बाबरी। अगला प्रश्न है, मुगल काल के दोस्तों दरबारी भाषा क्या थी? सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी फारसी रहेगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत के इतिहास में के संदर्भ में अब्दुल अहमद लाहौरी दोस्तों कौन थे? जी हाँ दोस्तों, तो यह जो थे शाहजहां के शासन का एक राजकीय दोस्तों इतिहासकार थे। अगला प्रश्न, गुलवदन बेगम दोस्तों किसकी पुत्री थी? दोस्तों ये थी बाबर की पुत्री। जी हाँ, गुलवदन बेगम बाबर की दोस्तों पुत्री थी। नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किसने हितो उपदेश का दोस्तों फारसी में अनुवाद किया था? मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये किया गया था ताजुल मालिक के द्वारा। ठीक है, अनवार ए सुहाइली नामक ग्रंथ निम्नलिखित में से दोस्तों किसका अनुवाद है? मेरे प्यारे दोस्तों, यह पंचतंत्र का। किसका दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, ये दोस्तों पंचतंत्र का है। नंबर नेक्स्ट है, कमेंट जरूर करेंगे, नस्तालिक दोस्तों क्या है? जी हाँ दोस्तों, नस्तालिक क्या है? तो यह एक प्रकार की फारसी लिपि है जो मध्यकालीन भारत में दोस्तों प्रयुक्त होती थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक ने महत्वपूर्ण कृतियां रामचंद्रिका एवं सरिस्क प्रिया के दोस्तों रचना किया है? दोस्तों ये किया गया है केशव चंद्र के द्वारा। बिल्कुल जी, केशव इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। तो कई बार फ्रेंड्स प्रश्न आपके पूछे भी ऐसे जाते हैं। सूची 1 और सूची 2 को सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के दिए गए दोस्तों कूट पे आपको प्रयोग करते सही उत्तर चयन भी करनी है। जी दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, आप लगा सकते हैं, देख सकते हैं स्क्रीन पे। बिल्कुल दोस्तों ये रहेगा सही आंसर। कैसे रहेगा? चूंकि हसन निजामी की बात करते तो ताजुल मासीर को लॉक करेंगे, ख्वाद मीर दोस्तों यहाँ से इसको हुमायूं नामा के साथ कनेक्ट करेंगे, और फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा मोहम्मद कजीन दोस्तों यहाँ से अलमगीर नामा हो जाएगा, और फ्रेंड्स ये जो बच गया आपका
दो के साथ मिलान कर देंगे। अगला प्रश्न है नंबर 12 कि मुगल काल के निम्नलिखित में से किस महिला ने ऐतिहासिक दोस्तों विवरण लिखे। जी दोस्तों, तो वह है गुलबदन बेगम, ऑप्शन नंबर ए बाबर की पुत्री। शाहनामा, शाहजहां नामा के दोस्तों लेखक कौन है। जी हाँ, शाहजहां नामा के दोस्तों लेखक है वह है इनायत खां, और कई बार दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछे आपको जाते ही जाते हैं। अबुल फजल के द्वारा दोस्तों जो बाबर नामा पूरा किया गया है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अबुल फजल के द्वारा दोस्तों जो बाबर नामा पूरा किया गया है ये दोस्तों कितने दिनों में, दोस्तों ये 7 वर्षों में पूरा, पता है जी कितने दिनों में, 7 वर्षों में दोस्तों पूरा किया। क्या आप इससे पहले जानते थे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कभी हृदय राजा जिसने नागरी दास के नाम से दोस्तों कृष्ण की प्रशंसा में छंद लिखे थे दोस्तों, वह कौन थे। मेरे प्यारे दोस्तों, वह था ऑप्शन नंबर डी राजा सावंत सिंह इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है सुमिलित करे और पुस्तकों के नाम में उनके लेखक की ओल्ड फ्रेंड्स निम्न में से कोट का सही चयन करनी, यानी कि आपको सही उत्तर बताने दोस्तों। तो यहां से मेरे दोस्तों मेरे सभी साथियों आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा आपका राइट आंसर। क्यों रहेगा दोस्तों, चूंकि आलमगीर नामा की हम बात करें दोस्तों तो ये निजामुद्दीन अहमद के द्वारा, उसी प्रकार फ्रेंड्स अगर हम तबकाते अकबी की बात करते दोस्तों तो वह रहेगा आपका, यहाँ से दिखेगा थोड़ी मिसटाइप हो गई फ्रेंड्स, यहाँ से ये मुंशी मोहम्मद काजीम हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और ये फ्रेंड्स आपके 4 के साथ जाएगा, ये फ्रेंड्स ये 3 के साथ जाएगा, और ये फ्रेंड्स आपके 1 के साथ जाएगा, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हुमायूं नामा का दोस्तों रचनाकार किसने, और ये प्रश्न तो और बार बार दोस्तों पूछता है और बार बार आपसे पूछता है। जी दोस्तों, इसका पास सही आंसर रहेगा गुलबदन बेगम, जो कि बार बार आपसे पूछता है दोस्तों। यह था आपका साहित्य कला संगीत हो चुका है। अब मुगल काल के दोस्तों और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करेंगे सिख संप्रदाय के इंपॉर्टेंट कुछ प्रश्न होंगे। तो पहला प्रश्न है कि किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से दोस्तों किया था। जी दोस्तों, तो यह जो किया गया था गुरु अर्जुन देव के द्वारा दोस्तों किया गया था, ऑप्शन नंबर सी रहेगा आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न है पटना में किस सिख गुरु के दोस्तों जन्म हुआ था। जी हाँ दोस्तों, पटना में जो सिख गुरु का जन्म हुआ है वो दोस्तों कौन थे, दोस्तों वह हैं गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन नंबर डी रहेगा आपका सही आंसर। कई बार दोस्तों ये प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को दोस्तों जरूर मिलता है। अगला प्रश्न है सिखों के अंतिम गुरु दोस्तों कौन थे। तो दोस्तों वह थे गुरु गोविंद सिंह ही 10वें गुरु, ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों बी रहेगा आपका बिल्कुल सही आंसर। गुरु नानक ने दोस्तों अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था। जी दोस्तों, गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी दोस्तों जो नियुक्त किया था ये क्या था दोस्तों, गुरु अंगद को। किसको, गुरु अंगद। आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहब का संकलन निम्नलिखित में से दोस्तों किसने शुरू किया था। जी दोस्तों, तो यह किया गया था गुरु अर्जुन देव के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा। किसके समाधि के दोस्तों कारण नादेर गुरु द्वारा सिखों के दोस्तों पवित्र माना जाता है। जी दोस्तों, तो यह जो दोस्तों पवित्र माना जाता है यह होता है ऑप्शन नंबर डी गुरु गोविंद सिंह इज राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न है बंदा बहादुर का मूल दोस्तों नाम क्या था। दोस्तों यह नाम था लक्षण देव, हाँ जी ऑप्शन नंबर बी रहेगा सही आंसर। ये आपके यूपीपीसीएस मेंस 2014 का इंपॉर्टेंट दोस्तों प्रश्न भी है। पंजाब के अमृतसर नगर को दोस्तों स्थापित किया था किसने। जी हाँ, यह क्या कहता दोस्तों, गुरु रामदास ने। किसने कहा दोस्तों, गुरु रामदास ने। निम्नलिखित में से किस सिख गुरुओं को तत्कालीन शासकों के द्वारा दोस्तों मृत्यु दंड दिया गया था। दोस्तों यह दिया गया था गुरु अंगद को ही, ऑप्शन ए रहेगा सही आंसर। जी हाँ बिल्कुल सही है, और क्षमा चाहेंगे दोस्तों गुरु अर्जुन देव को। जी जी बिल्कुल सही है, मृत्यु दंड गुरु अर्जुन देव को और गुरु तेग बहादुर को दोस्तों दिया गया था। तो ऑप्शन आप इसको ए को लॉक करेंगे, इसको कि सही रहेगा आपका राइट रहेगा। गुरु गोविंद सिंह की महानता निहित जो दोस्तों है इनमें से क्या है। जी हाँ दोस्तों, तो गुरु गोविंद सिंह की जो महानता है दोस्तों इनमें से क्या है, नंबर 10 का आंसर करेंगे दोस्तों तो वह रहेगा उन्होंने सिखों के सैनिक व्यवस्था का गठन किया था, ऑप्शन नंबर रहेगा सही आंसर। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक दोस्तों कौन था। जी हाँ, सिख साम्राज्य का दोस्तों सबसे जो अंतिम शासक था वह था दलीप सिंह, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दोस्तों दे दी थी। किस, कौन से सिख गुरु थे जिन्होंने अकबर ने 500 बीघा दोस्तों जमीन जो है दे दिया था। दोस्तों वह था रामदास, ठीक है। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब दोस्तों जिम्मेदार है। जी दोस्तों, तो यह जो जिम्मेदार है दोस्तों वह सिख गुरु है, ऑप्शन नंबर बी गुरु तेग बहादुर, बी को आप आंसर करेंगे जो कि सही रहेगा। निम्न में से दोस्तों किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना किया दोस्तों, तो यह गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ही खालसा पंथ की दोस्तों स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से दोस्तों कौन से युग में है जो सुमिलित है। जी हाँ दोस्तों, और ये जो है आपका सुमिलित दोस्तों ऑप्शन नंबर बी गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ से संबंधित है दोस्तों, ठीक है।
नंबर 16 है, निम्न में से किस स्थान पर एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा दोस्तों अवस्थित है? जी हाँ दोस्तों, हेमकुंड जो है दोस्तों यहाँ पे एक प्रसिद्ध गुरुद्वारा दोस्तों प्रेजेंट है, स्थित है। जी हमारे प्यारे दोस्तों, तो अब लास्ट टॉपिक है आपका और वह है दोस्तों आपका मराठा राज्य। जी हाँ, मराठा राज्य के दोस्तों पहला प्रश्न है कि शिवाजी के दोस्तों जो गुरु का नाम था, ये गुरु का दोस्तों नाम क्या था? अगर आप जानते हैं किसी प्रश्न का आंसर तो कमेंट जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों यह नाम था रामदास, ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अष्टप्रधान दोस्तों नाम जो मध्य परिषद थी ना, ये दोस्तों किस में थी? दोस्तों यह था मराठा प्रशासन में, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर आ चुका है। अगला प्रश्न है, संभाजी के बाद मराठा शासन में निम्नलिखित में दोस्तों किसके सरल और कारगर दोस्तों बनाया गया? दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी, वालाजी विश्वनाथ इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सरजामी प्रथा किससे दोस्तों संबंध रखता है? जी हाँ दोस्तों, यह जो संबंध रखता है ये रखता है मराठा भू राजस्व प्रथा से, ऑप्शन नंबर दोस्तों ए रहेगा आपका सही उत्तर। नंबर 5 है, मराठा के उत्कर्ष को निम्नलिखित में से कौन सा दोस्तों सही है? जी हाँ दोस्तों, यह सही और राइट रहेगा उपयुक्त सभी, यानी कि धार्मिक चेतना, भौगोलिक सुरक्षा, राजनीतिक जागृति। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, नंबर 6 है कि शिवाजी के समय में सर्वनोवात का दोस्तों पद जो संबंध रखता है ये किससे रखता था दोस्तों? तो ये रखता था सैन्य प्रशासन से, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और मेरे दोस्त किसी भी प्रश्न के पास जानते हैं तो अपना सही और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लगाने की कोशिश कीजिएगा। निम्नलिखित में से दोस्तों उनके शासनकाल के क्रम को व्यवस्थित कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले जो शासन किया था वो दोस्तों किया गया था वालाजी विश्वनाथ के द्वारा, उसके बाद दोस्तों वाजीराव आए, उसके बाद आपके वाजीराव आए, उसके बाद दोस्तों आपके माघव राव आए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा और वह दोस्तों कौन था? जी हाँ, नंबर 8 का आंसर करेंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हुआ था काशी राज पंडित, और CDS 2012 का इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। अगला प्रश्न दोस्तों आपका, शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में दोस्तों हरा दिया था? जी हाँ दोस्तों, यह जो हरा दिया गया था ऑप्शन नंबर सी, सलहार के युद्ध में, ठीक है। अगला प्रश्न है, शिवाजी के अष्ट प्रधान का कौन है जो सदस्य विदेशी मामलों का दोस्तों देख रेख करता था, वह कौन हुआ करता था दोस्तों? तो वह हुआ करता था आपका सुमंत, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में दोस्तों सही कारणों को आपको बतानी है, मेरे दोस्तों आपका आंसर जो आएगा वो आएगा सबसे पहले ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि सबसे पहले दोस्तों छत्रपति साहूजी आए थे, उसके बाद राजा राम आए थे, उसके बाद सांबाजी, उसके बाद फ्रेंड शिवाजी द्वितीय आए थे। अगला प्रश्न है, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तत्कालिक दोस्तों कारण क्या था? जी दोस्तों, यह जो कारण था दोस्तों, यह जो रीजन था वह था, वह मराठों के द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला दोस्तों लेना चाहते थे, और ये IAS 2010 के इंपॉर्टेंट प्रश्न भी हैं। अगला प्रश्न है, शिवाजी का जन्म कब हुआ था दोस्तों, और तथा कब उन्होंने छत्रपति शिवाजी की धारण भी कर लिए थे दोस्तों? यह था 1627 में उनका जन्म हुआ था और 1674 में उन्होंने छत्रपति शिवाजी की उपाधि मिला था। कथन है दोस्तों कि 1750 तक मराठा साम्राज्य पेशवा की अध्यक्षता में दोस्तों एक परिसंघ बन गया था, और कारण कहता है कि साऊ के उत्तराधिकारी पेशवा के इच्छा पर निर्भर करते थे। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ए और आर, दोनों सही है, लेकिन आर जो है आर का सही व्याख्या नहीं करता है। पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्न में से दोस्तों किसने मराठा को हरा दिया था? जी हाँ दोस्तों, तो इसमें जो मराठा का दोस्तों हरा दिया गया था वह था अफगानों ने, ऑप्शन नंबर ए रहेगा आपका सही आंसर। अगला प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, और सभी प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, पानीपत के दोस्तों तीसरा युद्ध जो लड़ा गया था किसके बीच में दोस्तों? ये लड़ा गया था मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में, ऑप्शन नंबर सी। वह कौन सेना नायक था दोस्तों जिसे विजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को दबाने के लिए दोस्तों भेजा था? दोस्तों यह भेजा गया था अफजल खां को। किसको? अफजल खां को, ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर। शिवाजी के शासनकाल के दोस्तों विदेश मंत्री को क्या कहा जाता है? जी मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये कहा जाता है दोस्तों शिवाजी के विदेश मंत्री को सुमंत। किसके समय में मराठा राजा नाचीज हो गया था और पेशवा वास्तविक दोस्तों शासक? तो दोस्तों वह रहेगा ऑप्शन नंबर सी, वालाजी वाजीराव। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो फ्रेंड्स क्लास अच्छी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लास को शेयर कीजिएगा, और फर्स्ट टाइम दोस्तों है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। पानीपत का दोस्तों तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? जी हाँ दोस्तों, तो ये लड़ा गया था आपका पानीपत का तीसरा युद्ध जो लड़ा गया था फ्रेंड्स 14 जनवरी 1761 में लड़ा गया था।
नंबर नेक्स्ट दोस्तों, शिवाजी मुगलों की कैद के कैद से भगाने के समय कौन से दोस्तों नगर में कैद किए गए थे दोस्तों? तो यह जो दोस्तों कैद किए गए थे वह था आगरा में। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर। शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक दोस्तों कहाँ पे हुआ था? नंबर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर जरूर करेंगे कि शिवाजी के छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक दोस्तों हुआ था ये कहाँ पे हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर सी रायगढ़ रहेगा राइट आंसर। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व दोस्तों किसके हाथों में था? मेरे प्यारे दोस्तों यह जो था ऑप्शन नंबर डी ताराबाई के हाथों में था दोस्तों, डी रहेगा आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से दोस्तों कौन है जोरुएला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था दोस्तों? दोस्तों यह था ऑप्शन नंबर बी नजीब खान रहेगा। आपने सही किया, आपने राइट किया, नजीब खान दोस्तों आपका रहेगा बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न है, शिवाजी की दोस्तों राजधानी कहां पर थी? जी हां, शिवाजी की दोस्तों जो राजधानी थी ये कहां पे थी दोस्तों? तो ये दोस्तों राजधानी थी शिवाजी की ऑप्शन नंबर ए रायगढ़ को लॉक करें दोस्तों। कई बार ये प्रश्न आपको पूछा गया है दोस्तों, कई बार पूछे जाते हैं। कथन आपका है कि राज्य के मामले में शिवाजी एक मंत्रिपरिषद से परामर्श लेते थे और कारण कहता है कि प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का स्वतंत्र दोस्तों प्रभाव रखता है। इसका आंसर दोस्तों रहेगा ऑप्शन नंबर सी ए सही है, परंतु आर जो दोस्तों बिल्कुल गलत है और कथन आपका बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित मराठा देवियों में से जिसने 1700 ईस्वी में आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया दोस्तों वह कौन थी? जी मेरे दोस्तों वह जो थी वह थी दोस्तों ताराबाई। ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा। नंबर 28 है, मोडी लिपि का प्रयोग दोस्तों किसके विलेखों में दोस्तों किया जाता है? मेरे प्यारे दोस्तों तो ये जो किया जाता है मोडी लिपि का दोस्तों ये रहेगा मराठों के लिए। ऑप्शन नंबर आपका डी रहेगा सही आंसर। तो मेरे प्यारे दोस्तों मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं कि आप सभी प्रश्नों को बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए होंगे। प्रश्न फ्रेंड्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था और दोस्तों मैंने आपको मध्यकालीन भारत का इतिहास जो है पूरे वीडियो को एक ही में दोस्तों पूरे क्वेश्चंस को लेकर आ गया हूं। तो उम्मीद जरूर करूंगा कि आपको फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी होगी। तो ऐसे ही प्रश्नों के साथ ऐसे क्वेश्चन के साथ फ्रेंड्स हम लोग मिलेंगे फिर से एक नई टॉपिक में। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद वंदे मातरम।